तो इस सेशन में आप सभी लोगों को बांधने के लिए मैं करने क्या वाला हूँ, मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं जिनके पास पेन पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। इफ पेन पेपर इज नॉट अवेलेबल यू विथ यू प्लीज शो हैंड्स, अपना हाथ उठा दीजिए अगर आपके पास पेन पेपर अवेलेबल नहीं है। सबके पास अवेलेबल है, वेल एंड गुड। ऑलराइट, सो मैं आप सबसे एक सेंटेंस यहां पर लिखवाऊंगा जिसकी शुरुआत होगी माय शिप इज, माय शिप इज के साथ में। समझ गए? अगर सभी लोग समझ गए हैं कि वो सेंटेंस क्या है, मैं एक आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। इसका एग्जांपल है माय शिप इज बिग एंड वेरी लार्ज। मान लीजिए ये सेंटेंस आपने बनाया। इसके अलावा माय शिप इज के बाद में आप अपनी सोच के साथ कुछ भी जो आपको लगता है वो लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा माय शिप इज, मुझे लग रहा है कि आप शायद इसको पढ़ पा रहे होंगे कि नहीं पढ़ पा रहे होंगे, बट एनी विच वे आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है माय शिप इज के साथ में, और आगे समझ लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट 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 है, वो डॉट डॉट आपको कंप्लीट करना है। ship तो is जहाज, that जहाज, पानी वाला। माय शिप इज यानी कि मेरा जहाज है। माय शिप इज के आगे सेंटेंस को प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको देता हूं 10 सेकंड, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। 10, 9, 8, 7 अगर किसी को कंफ्यूजन है तो अपना हाथ उठा दीजिए प्लीज। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन तो मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है, आ गई है तो सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए। 3, 2, 1 टाइम इज अप। क्या सभी लोगों ने माय शिप इज से स्टार्ट करते हुए सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है? अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो प्लीज अपना राइट हैंड इस तरीके से उठा दीजिए। प्लीज शो मी योर राइट हैंड, ऑल ऑफ यू प्लीज शो मी योर राइट हैंड इफ यू हैव कंप्लीटेड। गुड, गुड इनफ, एवरीवन हैज। ओके दोस्तों, तो ये था एक हमारा प्यारा सा आइस ब्रेकर। इस आइस ब्रेकर को मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट जो अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊं कि हमारे आज के सेशन में हम लीडरशिप की बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं, पावर ऑफ लीडरशिप की बात करने वाले हैं, डिफिकल्ट पीपल के बारे में बात करने वाले हैं। एक मैजिक, एक टर्म है मैजिक, हम उस मैजिक, उस जादू के बारे में बात करने वाले हैं। बट टू डू ऑल दिस टॉकिंग लेट मी कॉल बिटवीन आवरसेल्व्स इन दिस वर्चुअल सेशन वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर्स इन नॉर्थ इंडिया। लेट मी वेलकम हियर मिस्टर नितेश शर्मा। एक बार नितेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय एवरीवन, एंड मैं बिलीव करता हूं कि सारे लोग यहां पर हैं, एंड सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इस लॉकडाउन के अंदर अगर आज हम किसी चीज को लेकर सामने हैं और आज किसी चीज को लेकर हम डिस्कशन में बैठे हैं, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि ये हमारी विल और हमारे नेक्स्ट लेवल को शो करता है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउडेज, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में। रीजन इज कि ये लॉकडाउन का जो सेशन है, ये लॉकडाउन के सेशन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा वीक फील करते हैं, प्रोडक्टिव फील नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट चाहती है कि हम इसकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएं, इसकी काबिलियत को और निखारें, बट समहाउ वो एक ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि रुके पड़े हैं कहीं ना कहीं। तो आज हम उस सेशन में हर चीज को डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे चीजों को, एंड मैं चाहूंगा कि जितने लोग हैं इस सेशन को ध्यान से सुने। एंड जैसा कि मैंने आदित्य सर से बोला था कि आदित्य सर से मेरा डिस्कशन हुआ था, हम इस सेशन को इस तरीके से प्रोडक्टिव बनाएंगे कि आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में एक बाउंस बैक साबित हो। बाउंस बैक का मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपने ऑफिसेस को ज्वाइन करें, जब भी आप अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन करें, तो वो एक नई चीजें निकल के आए वहां पे, नॉट एज कि आप बैठे हुए थे घर पे और उठ के वहां पे भी चले गए और वहां पे भी सिर्फ बैठे ही हुए हैं। ये सेशन एक ऐसा सेशन होने वाला है जिसके अंदर आपको रियलाइज होगा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं, अपनी अपने आप को, अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपने आप की प्रोडक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और अपने स्किल सेट, अपने मैनेजेरियल
स्किल सेट और फिर अपने लीडरशिप के स्किल सेट को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मैनेजमेंट हमारी मैनेजमेंट लेवल से हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पर आए एंड थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर कि आप लोगों ने हमें जो यहाँ पर लेके आए और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को अच्छे से अच्छी आज सीख दे पाए और अच्छे से अच्छी चीजों के बारे में बता पाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द लीडरशिप. एंड मैं चाहूंगा कि आदित्य सर इफ यू विल इंटरजेक्ट फॉर अ सेकंड और मुझे लीडरशिप का जो सेशन है वो डिस्कस करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार नाम बता दें. हम उन लोगों के माइक अनम्यूट करेंगे सो दैट कि हम थोड़ा सा रिवर्ट भी ले सके उनसे और उनकी चीजों को भी पूछ सके. जी आदित्य सर. तो हमारे MD हैं मिस्टर महेश कुमार. महेश जी राइट. महेश जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले तो. धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. गौरव आई रिक्वेस्ट कि आदित्य सर जो भी बोल रहे हैं उनका माइक प्लीज अनम्यूट कर दें. फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर श्याम. श्याम जी वेरी वार्म वेलकम सर. नितेश मिस्टर श्याम का जो डिवाइस है आई एम नॉट एबल टू. मिस्टर श्याम कुमार जी राइट. मिस्टर श्याम जी. मिस्टर श्याम कुमार. फिर उसके बाद हमारे बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं मिस्टर रवि. रवि जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी. Anybody else, sir? और कोई रहता है हमारी तरफ से? नहीं, बस. ठीक है. So let's start this conversation. और आज हम इस conversation को यहाँ पर start कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे तरीके से participate करें. अगर किसी का कोई भी question हो, कोई भी आप input देना चाहते हो या कुछ भी आपका problem हो, तो आप please raise your hand. Definitely हम आपका question जरूर लेंगे और उस चीज को discuss करेंगे. Okay, so I would like to tell you the first topic of this conversation, जो कि इस ये पहला topic है, वो है leadership. देखिए leadership जो है एक बहुत ही ज्यादा important role है पूरी एक organization के अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ. और हमारे पूरे management के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर colleagues हैं वो सब बैठे हैं. So if anybody can tell me what is leadership? मैनेजमेंट में से अगर कोई बता सके या फिर और लोग बता सके कि व्हाट इज लीडरशिप एक्चुअली. आज हम थोड़ा सा लीडरशिप के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं सबसे पहले कि लीडरशिप होती क्या है एक्चुअली में. एनीबॉडी? लीडरशिप वो होती है नितीश जी, जो सबको लीड कर सके, एक रास्ते पर ले सके, ले जा सके, सबको अपने पीछे एक रास्ते पर, एक मुहिम पे ले जाए, सबको इकट्ठा कर ले अपने साथ, अपने पीछे, वो एक लीडरशिप है. राइट, बिल्कुल सही कहा. सो लीडरशिप जो है, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर. लीडरशिप जो है ये एक इन्फ्लुएंस है. आप मतलब मान लीजिए किसी से आप प्रभावित होकर, कहते हैं ना कि आप किसी से प्रभावित होकर आप जो है आपकी पर्सनल पावर जो होती है वो लीड करना चाहती है. और ये लीड जो होता है आपको एक इन्फ्लुएंस के तरीके से मिलता है. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि लीडरशिप इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर विच क्रिएट्स प्रोग्रेसिवली एडवांस कम्युनिटी. एक कम्युनिटी का निर्माण करता है लीडर. लीडर वो इंसान होता है, वो शख्स होता है जो एक कम्युनिटी का निर्माण करता है. और ये कम्युनिटी कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ. ये कम्युनिटी होती है एक कॉमन कम्युनिटी. ये कॉमन कम्युनिटी जो होती है वो लीडर के विजन के साथ अपना विजन मैच करती है. जब लीडर का विजन और कॉमन कम्युनिटी का विजन मैच हो जाता है आपस में, तब जाके वो लीडरशिप सक्सेसफुल होती है. मैं एग्जांपल अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा इसका, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप इसकी गहराइयों में आ जाएं. देखिए लीडरशिप एक ऐसी चीज है कि जिसके अंडर में रह के हम सबसे ज्यादा अच्छे काम भी कर सकते हैं और कई बार हमारे से गलत काम भी होते हैं. जैसे कि लीडरशिप दो तरीके की होती है. एक तो होती है पर्सनल पावर लीडरशिप, जो कि हमने पर्सनली गेन की है. लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो कि पर्सनल पावर होती है. और एक होती है पोजिशनल पावर. पर्सनल पावर में क्या होता है? पर्सनल पावर में ये होता है
जब आपको किसी से प्रभावित होके आप एक अच्छे लीडर बनते हैं, आप लोगों के उद्धार के साथ या लोगों के क्या नाम है वेलफेयर के साथ उनको जोड़ते हैं, अपने विजन के साथ उन्हें जोड़ते हैं और उनका उद्धार करते हैं। जब ये दोनों एक चीजें मिल जाती हैं तो एक नई डायरेक्शन बनती है, एक बहुत ही बड़ी पाथ बनती है जिसके अंदर लोगों को उनका विजन दिखता है, लीडर को अपना विजन दिखता है और वो दोनों पैरेलली चलते हैं एक साथ। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप। ये लीडरशिप जो होती है पर्सनल पावर लीडरशिप होती है, जिस जो कि इन्फ्लुएंस होके आती है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि महात्मा गांधी, बराक ओबामा, ये दो शख्सियतें। आज मान लीजिए अगर आप किसी के सामने खड़े होते, आप मान लीजिए अगर आप मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि यार मैं इनके साथ खड़ा होके इनके जैसा बनना चाहता हूं, लोग मुझे जाने। चाहे वो कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो 10 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो या 10,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो 1,00,000 लोगों की हो या 130 करोड़ लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो। सो लीडरशिप जो होती है वो पर्सनल पावर से इन्फ्लुएंस होती है। पहला स्टेप यही है लीडरशिप का कि पर्सनल पावर से इन्फ्लुएंस होती है। सो हर एक लीडर किसी ना किसी इंसान से, किसी ना किसी शख्स से प्रभावित होता है। जब भी हम बिजनेस में उतरते हैं, जब भी हम किसी भी चीज में उतरते हैं, किसी भी कार्य में उतरते हैं, तो हम अपनी टीम बनाते हैं और टीम बनाने के साथ हम क्या करते हैं, हम उन्हें लीड करने की कोशिश करते हैं। वो जब हम लीड करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि लोग जो हमारे लीडिंग टीम है वो हमसे प्रभावित हों। तो ये तो होता है पर्सनल पावर। एंड पोजिशनल पावर की हम बात करें, पोजिशनल पावर देखिए एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग की तरह है। मान लीजिए कि राहुल गांधी की हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई है कांग्रेस के अंदर, सो ये कुछ इस तरीके से होती है। देखिए पोजीशन में और पर्सनल में यही एक फर्क है कि पोजीशन पावर जब होती है तो आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, आपको डायरेक्ट पोजीशन पे बिठा दिया जाता है और उस पोजीशन के थ्रू ही आप फिर क्या नाम है लोगों पे ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हम किससे प्रभावित हैं पहले, तो फिर उसके बाद हम आगे क्या नाम है अपने लोगों को किस वे में लीड कर सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, दो तरीके के लीडरशिप में पॉइंट्स आते हैं। एक होता है प्रभाव, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आता है प्रभाव और एक आता है दबाव। सो जब पर्सनल पावर में लोग इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे, तो प्रभाव के अंदर होता क्या है, प्रभाव के अंदर होता है जब मान लीजिए आज महेश जी एक बहुत ही बड़ी डील साइन करके आते हैं और उस डील का इम्पैक्ट उनके सभी कोलीग्स पे और एम्प्लॉयज पे पड़ता है कि यार महेश जी ने आज इतनी बड़ी डील क्रैक करी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक दिन वो डील क्रैक करूं। सो वो कैसे होगा, वो इन्फ्लुएंस से होगा। अगर मैं महेश जी के अंडर काम कर रहा हूं तो मुझे वो चीज देखनी होगी कि उनकी विल पावर क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो मेरे अंदर आना चाहिए और वो इन्फ्लुएंस मुझे हेल्प करेगा एक अलग लेवल पे आके, और जिससे कि मैं अपने लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने सभी लोगों के, ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों के लिए एक अच्छा वर्क कर सकता हूँ। ये तो हो गया प्रभाव आपका, कि आप किस तरीके का प्रभाव अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ते हैं। प्रभाव भी दो तरीके के हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ना, एक बुरा इम्पैक्ट छोड़ना। और प्रभाव का जो बुरा इम्पैक्ट होता है वो होता है दबाव। दबाव में आप किस जी महेश जी आप कुछ कहना तो नहीं चाह रहे सर? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, सो प्रभाव के बाद आता है हमारा दबाव। दबाव के अंदर मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। मैं मानता हूं हर ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं होती, उम्मीद है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, बट बहुत से लोग होते हैं जो दबाव में काम कर रहे होते हैं। तो उस दबाव को अपने लीडर के साथ शेयर करना, कम्युनिकेट करना और उस लीडर तक पहुंचाना हमारा यानी कि फर्ज होता है। सेम हैंड जो लीडर का काम होता है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए लोगों को अच्छी तरीके से गाइड करना एक बहुत जरूरी होता है। तो लीडरशिप ये जो होती है लोगों को विजन दिखाने का एक जरिया है, मैं ऐसा मानता हूं। कॉमन विजन जो होता है लीडर का होता है, कॉमन विजन भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। पहले हम कॉमन विजन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि लीडरशिप में कौन इंसान आते हैं। लीडरशिप में वो इंसान आते हैं जो कि आपके बॉसेस, आपके सीईओ, आपके एमडीज,
और आपके वाइस प्रेसिडेंट, ये आपकी लीडरशिप में आते हैं। और ये जो लीडरशिप होती है आपकी बड़ी हेल्पफुल होती है आपके लिए। गौरव इफ यू कैन म्यूट माइक, क्योंकि मैं क्वेश्चन फिर बाद में सबके लूंगा। हमने महंगी महंगी दारू की यार। So, I request you all please mute yourself. आप सबसे आप म्यूट पे कर दें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। देखिए लीडरशिप की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पर कॉमन विजन की बात कर रहे थे। तो ये जो लीडरशिप और कॉमन विजन एक्चुअली में है क्या, आप जितने भी लोग हैं और जितनी भी हमारी लीडरशिप है एक कॉमन विजन के लिए काम कर रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, एप्पल और आपकी क्या नाम है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है आपका, चाहे अमेज़न हो गया, चाहे आपका कोई भी कंपनी हो गई, इनका एक कॉमन विजन होता है। अगर वो कॉमन विजन आप अपने लीडर के साथ जोड़ लेंगे, वो विजन आप अपने कॉमन विजन को लीडर के साथ जोड़ लेंगे, तो वो विजन जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपकी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ आपके जो है लीडर के लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब विजन की बात कर रहे हैं हम, हमारा जो कॉमन विजन है उसकी बात कर रहे हैं। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। आप लोग रेडी हैं उम्मीद करता हूँ मैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारा ही एक क्लाइंट था, मैं आपको उसका नाम बताता हूँ, गूगल की सिस्टर कंसर्न कंपनी है, जिसके लिए हमने अभी रिसेंटली एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था, और उस कंपनी का नाम है बाइनरी सिमेंटिक्स। वो कंपनी के अंदर हमने एक बार पहले सबसे पहले सेशन करवाया, और सेशन करवाने के बाद बहुत से ऐसे लोगों ने बोला कि सर मैं ना अपने लीडर को नहीं जानता, सर मैं ना अपने सीईओ को नहीं जानता, सर मैंने आज तक देखा ही नहीं एक्चुअली हमारा सीईओ है कौन। सो 300 लोगों की कंपनी, आप बिलीव करिए 300 लोगों की कंपनी, जिसके और भी एम्प्लॉयज है, बट वो आरे फील्ड में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आउटडोर वर्क भी करते हैं। 300 लोगों की कंपनी में कोई लीडर को जानता ही नहीं था, मतलब 50% लोग जो कि हमारे कह सकते हैं कुलीग्स थे, जितने भी जितने मैनेजमेंट के नीचे जो अंडर आते थे वो लोग नहीं जानते थे। हमने सेशन कंडक्ट कराया, उनके लिए सब कुछ किया, तो देन हमसे यह डिस्कस हुआ कि क्या नया तरीका निकाला जाए कि जिससे हम एम्प्लॉयज जो हैं अपने लीडर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना सकें, उनके साथ मिलजुल के काम कर सके, और पता लगे कि उनका विजन क्या है और हमारा विजन क्या है, उस विजन को साथ में जोड़ सके। सो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो कंपनी 300 लोगों की कंपनी थी। अब आपको मैं स्टैट्स बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे अब आज के टाइम पे उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, बट आप यकीन नहीं मानेंगे, उस कंपनी के लीडर ने एक एक करके 300 लोगों से मिलना स्टार्ट किया। आप विश्वास करेंगे, 300 लोगों से मिलना स्टार्ट किया। 300 लोगों से जब मिले, उनसे उनकी क्वेरी पूछी, उनकी क्वेरी पूछने के बाद उनसे पूछा कि आपको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, किस तरीके का आपको मतलब एक तरीके बिहेवियर मिल रहा है कंपनी के अंदर, क्या आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो ये सारे जब डिस्कशन हुए एक एक करके लीडर से, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके अंदर 1000 एम्प्लॉयज हैं आज के टाइम में। विद इन थ्री मंथ्स 1000 एम्प्लॉयज होना वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, कि 1000 एम्प्लॉयज कैसे थे, वो कंपनी इतना कह रहा मैं इतना ज्यादा मतलब राइज कर गई थी, इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि उनको पूरी बिल्डिंग ही नहीं लेनी पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके एम्प्लॉयज बढ़ गए, उनका वर्कलोड बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस, कि लीडर ने उनकी बात समझी। ना केवल लीडर ही उनकी बात समझे, एम्प्लॉयज ने भी लीडर की बात समझी। सो हमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट लाइक आर होम। कहते हैं ना कि क्या नाम है, एक बहुत अच्छी सेइंग है, ये आप सभी लोग मानेंगे, विक्की जी और क्या नाम है, यहाँ पर साक्षी जी हैं और रोहित जी हैं, महेश जी हैं, रवि जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये सब मानेंगे कि बिजनेस जो है वो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी पे होता है, देन आपका होम होता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं होगा तो वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके घर पे पड़ेगा, आपकी कम्युनिटी पे पड़ेगा, और ना केवल आपकी ही कम्युनिटी पे पड़ेगा, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं
उन पे भी पड़ेगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जितने भी लोग हैं अपनी ऑनेस्टी के साथ, एक क्रेडिबिलिटी के साथ, अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ हम अपना 100% दे अपने लीडर को। सेम हैंड जब हम लीडर की बात करते हैं तो लीडर का क्या रोल बनता है? लीडर का सबसे बड़ा रोल बनता है कि लीडर जो है बायस ना हो, किसी के साथ, एक ही जने के साथ ना हो। अगर किसी ने गलती करी है, चाहे एक जने ने गलती करी है, तो कोशिश ये करें, देखिए गलती की सजा सबको मिलती है मैं ऐसा मानता हूं, अगर लीडर से नहीं मिली है तो आपको शायद बाद में मिल सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मानिएगा कि लीडर जब आपसे बायस होता है तो फिर वहां पर चेंजेस आने लग जाते हैं, वहां पे मनमुटाव आने लग जाते हैं। उस मनमुटाव को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबको एक कॉमन विजन के तरीके से देखें। जिस जो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन विजन, ये वही चीज है। कॉमन विजन दो तरीके की विजन है, अपने एम्प्लॉयज के साथ और अपने विजन के लिए, यानी कि अपने जो बिजनेस के विजन को हम किस तरीके से आगे अच्छा बना सकते हैं। ग्लिचेस जितने भी आते हैं वो आप ही डिस्कस करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप ही डिस्कस करेंगे, लेकिन विजन को मेंटेन करना। तो मैं था कि जब एम्प्लॉयज जितने भी हैं, जो लीडर है अगर वो एक ही जने को स्पष्ट रूप से देखेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं मनमुटाव आ जाते हैं। उसके लिए एक ओपन ग्लास डोर पॉलिसी बनानी चाहिए लीडर को, कि भाई गलती जिसकी है उसको सुनना भी पड़ेगा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर जिसने गलती करी है उसको समझना भी पड़ेगा, भुगतना भी पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक इससे स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मुझे लगता है कि क्या नाम है, आपको बीच में स्टोरी इसलिए सुनाना जरूरी है क्योंकि अगर ये स्टोरी आप सुनेंगे ना तो आपको लग जाएगा, जब इतने छोटे से एक डॉक्टर की दुकान में एक चीज हो सकती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ा पार्ट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये स्टोरी है एक साल पहले की, जिसके अंदर मतलब मुझे वायरल फीवर हो गया था और मैं अपने एक पड़ोस के डॉक्टर के पास गया था। वो पड़ोस का डॉक्टर काफी अच्छा है, तो मतलब काफी ज्यादा भीड़ उसके पास आती रहती है, तो मेरा फैमिली डॉक्टर भी है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे जाते हैं। हुआ क्या कि क्या मुझे वायरल फीवर हुआ, मैं वहां पे गया, 70 से 80 लोग बैठे हुए थे वहां पर, सब लोग अपनी अपनी दवाइयां ले रहे थे। एक पेशेंट था जो डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे पिछली बार ये दवाई लेके गया था और इस बार जो है ये दवाई लेके आया हूँ, ठीक है, तो मेरे कोई भी क्या नाम है चेंजेस नहीं आया, मेरे को अभी भी खांसी है, अभी भी बुखार ही है, सब कुछ है। तो डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां लिख के अपने कंपाउंडर को पकड़ा दी और कंपाउंडर उसे देने चला गया। मैं ये सब देख रहा था, ये प्रोसीजर देख रहा था कि एक्चुअली में ये प्रोसीजर चल रहा है, वो मेरी आंखों के सामने ही चल रहा था। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा, कंपाउंडर को दिया, वहीं से वो दवाई दे रहा था, क्या नाम है दवाई उठा के उसने दी। डॉक्टर ने नोटिस किया कि उसने वो दवाई नहीं दी जो मैंने बोली, वो सेम सॉल्ट की नहीं थी। तो दवाइयां एक्चुअली भी सॉल्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है कई बारी, और जो होता है वो काम वही करती है। सो वो सॉल्ट का थोड़ा सा डिफरेंस था जिसकी वजह से डॉक्टर ने उस अपने कंपाउंडर को अपने पास बुलाया। और आप शॉक होंगे अब स्टोरी सुन के कितनी क्या नाम है मतलब ज्यादा ये दिल से मतलब अंदर से मतलब एक कहते हैं ना इमोशनल स्टोरी है डॉक्टर की। क्योंकि डॉक्टर ने फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने बुलाया, तो जितने बुलाया उसने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया था, भाई मेरे को दिखा दिया था कि ये तुम्हारी दवाइयां हैं, ये ले जाओ, चले जाओ। मैं चला गया। मैं बाद में जब मेरे को दूसरी डोज, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं हमेशा पूरा एक सीक्वेंस देते हैं कि आपका क्या नाम है ये, आपको 3 दिन तक ये गोलियां खानी है, एक दिन की खत्म हो जाती है तो दूसरे दिन खानी होती है, दूसरे दिन की खत्म हो जाती है तो लेके आना होता है, फिर तीसरे दिन की खानी होती है, जो कि हमारे क्लिनिक के आसपास होते हैं वो करती है। सो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उससे बात की अपने एम्प्लॉय से, जो भी उसका एम्प्लॉय था, कंपाउंडर था, वो बात मुझे नहीं पता थी। जब मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गया तो मैंने देखा वहां पे वो कंपाउंडर है ही नहीं। मैं हैरान, डॉक्टर भी थोड़ा सा परेशान था क्योंकि 70-80 लोग डेली आते थे उसके पास, उसे संभाले कैसे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या बात है, आज मतलब लोग है बहुत सारे लेकिन क्या नाम है आपका एक ही कंपाउंडर है, दूसरा कहाँ गया कंपाउंडर? तो डॉक्टर ने कहा कि यार वो ना छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात हो गई जो छोड़ के चला गया वो, क्योंकि वो उसका मैं, क्योंकि हमारा फैमिली डॉक्टर था, मैं 10 साल से उस कंपाउंडर को देख रहा था उसके बाद।
तो उसने ये कहा कि यार मैंने ना इसे 70 लोगों के सामने डांट दिया, 70 लोगों के साथ सामने उसे डांट दिया, तो वो डांट का इम्पैक्ट इतना पड़ गया कि उसके वो दिल पे बात लग गई। और जब वो दिल पे बात लगी ना, तो उसके ऐसी लगी कि उसने वो जॉब ही छोड़ दी। तो यही मेरा विजन है कि जब आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सभी एम्प्लॉयज होते हैं, तो एक कहावत है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डांट सभी को खानी पड़ती है अगर कोई भी काम हम गलत करते हैं। घर में मम्मी पापा भी डांट मारते हैं, आपके बच्चे हैं उनको भी हम डांट मारते हैं, और सभी को करते हैं। सो हमारा पर्पस यही है कि जब भी किसी को प्रेज करना हो, किसी की तारीफ करनी हो, तो जो लीडर होता है वो क्या करता है, सभी के सामने उसकी तारीफ करता है। और जब उसे डांटना होता है तो अलग से ले जाके डांटते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सोचता है कि हाँ गलती तो मेरी है, लेकिन किसी को पता नहीं लगा और अगली बार से मैं ये गलती नहीं करूंगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि लीडर सबके साथ एक कॉमन विजन पे चलता है। बिजनेस को कॉमन विजन पे ले जाना लीडर का काम है, उसके कॉमन विजन के साथ चलना हमारा काम है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारे लिए बहुत एक अलग डायरेक्शन बन जाती है, जिससे हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। और लीडर जो होता है उसको पता होता है कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था जो कि कॉमन विजन था। जैसा कि हमने बात की थी कि लीडरशिप एक्चुअली में है क्या, सो सर ने बताया कि लीडरशिप वो है कि जो लोगों को लीड कर सके। बट इसकी एक और परिभाषा है, और ये बहुत अलग परिभाषा है, अगर आप लोग समझ सकें तो ये मैं आपको बताता हूं कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते रहते आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। सभी के लिए ये, अगर एक बारी आपने इस चीज को समझ लिया तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। सो लीडरशिप इज नॉट अबाउट मेकिंग लीडर्स, लीडरशिप इज नॉट अबाउट मेकिंग लीडर्स, लीडरशिप इज अबाउट मेकिंग लीडिंग टीम्स ऑफ लीडर। उम्मीद है आपको समझ आया हो, मैं एक बार हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट करता हूं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप लीडर हैं, लोगों को लीड करें और काम खत्म। लीडरशिप इज अबाउट कि आप एक लीडिंग टीम को लीड करें जो आगे चल के और लीडिंग टीम बनाए। समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए आज महेश जी है, महेश जी किसी को लीडर बना के जाते हैं कि भाई मेरे बिहाफ में तू काम करेगा। सो इसी तरीके से मान लीजिए आप विकी जी को कहते हैं, रवि जी को कहते हैं, साक्षी जी को कहते हैं, या फिर क्या नाम और भी जितने लोग हैं, अनीता जी को कहते हैं, ये किसी को भी लीडर बना के जाते हैं, तो वो ऐसे एक लीडर बने जो और लीडर बना सके, कि छोटे छोटे कामों को कंप्लीट करने के लिए और चीजें कर सके। अगर मान लीजिए महेश जी ने बोला है कि रवि जी आप आज लीडर बनेंगे और आप मेरे बिहाफ में काम करेंगे, तो रवि जी को पता होना चाहिए कि ये काम मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं कि ताकि चार लोग उसको इतनी जल्दी कर पाए कि वो काम एकदम पॉइंट टू पॉइंट सीधे सामने आए और उसकी बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ हमारे सामने हो, और ताकि महेश जी को दिखा सकूं कि यही टीम वर्क है, इसी को हम टीम वर्क कहते हैं। So, मेरा विजन आप लोगों के साथ यही है, मैं यही बताना चाहता हूं कि अपने इंटरनल लीडर्स को डेवलप कीजिए। हम सबके अंदर एक ना एक लीडर है, मैं ऐसा मानता हूं कि सबके अंदर एक ना एक लीडर है। आप देखिए अपनी लीडरशिप को आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, आप किसी भी एक जगह पे ऐसे पे एक जगह पे खड़े हो जाए जहां पे आपके लिए दो ऑप्शन हो, वो दो ऑप्शन आपको क्या बेनिफिट्स देते हैं, क्या वो सही है और क्या वो गलत है, आप इमेजिन करिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप उसे कर दीजिए और काम खत्म, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप दो एग्जाम्पल लीजिए और आप उस एग्जाम्पल के बारे में सोचिए जो सही होने वाला है, जो आपका दिल कहता है, इंटरनल कोर कहती है, आपकी आपकी गट फीलिंग कहती है। आप कई बार ऐसा होता ना कि आपको लगता है कि यार ये ट्रेन मेरे हाथ से छूट जाएगी, और वो वाकई में छूट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये अंदर से ना एक कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट बना हुआ है, यार ये छूट जाएगी तो ये लगता है अब तो ये मैं कर लूंगा, मुझे पता है पक्का, तो वो कर भी लेते हैं। सो हर किसी के अंदर एक छुपा हुआ लीडर है। अपने लीडिंग स्किल्स को
सेट कीजिए, अपने लीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी चीजों में प्रोडक्टिविटी लाइए, इसी का नाम लीडरशिप है। देखिए हमारी कोर मैनेजमेंट लीडरशिप टीम सारी आपके साथ है, हमारे लीडर आपके साथ हैं, बट क्या आपके अंदर वो लीडिंग स्किल्स हैं? ये मैं आपको आगे और बताऊंगा, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में ये बात आ रही है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, विजन की हम बात कर रहे थे, तो देखिए कॉमन विजन हमने बताया, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर कैसा लगेगा आप सभी को कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप आए तो हैं, लेकिन आपका मन नहीं लग पा रहा, आप काम नहीं करना चाह रहे हो, कैसा लगेगा आपको? मतलब मुझे भी ऐसा लगेगा कि वो वही फीलिंग होगी जो इस टाइम लॉकडाउन में फीलिंग हुई पड़ी है, यार मैं बैठा हुआ तो हूं घर पे, काम करना भी चाहता हूं बट मेरे पास काम करने का ना वो मन नहीं हो पा रहा मेरे अंदर से। तो आपको उस चीज के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कौन सा डेवलप हम कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है ये कैसे डेवलप हो सकता है इंटरेस्ट? कोई अगर हाथ खड़ा कर सकता है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा करे, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गौरव उसका माइक ऑफ करे ताकि वो बता सके कि जो ये इंटरेस्ट है वो किस तरीके से हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। Yes, anyone who would like to answer to this question, please raise your hand. Physically raise your hand. Physically, आपको अपना हाथ उठाना है कि इंटरेस्ट अपने काम में कैसे डेवलप करें, क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि आपका अपने काम में, आपका अपनी जॉब पे इंटरेस्ट बने, ज्यादा से ज्यादा बढ़े। शशि जी जवाब देना चाह रही हैं, I'm going to unmute her. शशि जी एक बार अनम्यूट अपनी साइड से कीजिए। यस हेलो हेलो, हमें ऑडिबल? शशि जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। फॉर मी पर्सनली आई फील इट इज सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन की बात शशि जी ने कही है नितेश। यस नितेश, मैं चाहूंगा उनसे भी इनपुट हम ले थोड़ा सा। नितेश प्लीज रिपीट योरसेल्फ। मैं कह रहा हूं कि श्रुति जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं, तो श्रुति जी का अगर हम इनपुट ले सकें। श्योर श्योर, श्रुति जी प्लीज गो अहेड। हेलो एवरीवन। हाय श्रुति जी। हाय, माय पॉइंट इज वी कैन डिवाइड आवर वर्क इनटू सम पार्ट्स, सो दैट कि हम छोटे छोटे चंक्स में अपने वर्क को कम्प्लीट करते जाएंगे तो प्रेशर भी नहीं रहेगा और वर्क इजिली कम्प्लीट भी होगा, इंटरेस्ट भी क्रिएट होता रहेगा। हम पॉइंट वाइज इसे पूरा नोट डाउन कर लें कि हमें क्या क्या पार्ट करना है, देन वो इजिली हमारा काम हो सकता है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात कही श्रुति जी आपने भी। आपका अगर मैं एक बार रिपीट कर सकू, आप एक बार रिपीट कर सके उसी चीज को जो आपने बोला। श्योर सर, माय पॉइंट इज कि अपने जो हमारे वर्क है उसको हम छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लें, सो दैट वो आपके वो प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा, यू कैन क्रिएट योर इंटरेस्ट ऑल्सो कि ये वाला काम मुझे पहले थोड़ा लग रहा है कि यह लेंदी नहीं रहेगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूं, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाए तो वो वर्क इजिली होता जाएगा। बहुत बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है ये कैसे आएगा आप लोगों के पास। सेल्फ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है कि आपके काम में, देखिए बहुत से लोग होते हैं कि जो अपनी परेशानियों को पहले रखते हैं इंस्टेड ऑफ अपनी जॉब को। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे घर में आज ये चल रहा है तो मैं क्या नाम ऑफिस में वैसा मूड लेके जाता हूँ, मेरे घर में आज ऐसा चल रहा है तो मैं आज ऐसा मूड लेके जाता हूँ, ठीक है मेरे पड़ोस में लड़ाई हो गई तो मैं आज ऐसा मूड लेके जाता हूँ, मैं क्या नाम रास्ते में गाड़ी चलाकर आ रहा था मेरी लड़ाई हो गई तो मैं ऐसा मूड लेके जा रहा हूँ, ठीक है मेरे क्या नाम है बच्चे ने क्या नाम है आज सुबह सुबह कोई डिमांड कर दी और भाई इमरजेंसी में मैं उसे पूरा नहीं कर सकता था तो मैं आज इस मूड में ऑफिस से जा रहा हूं। सो सबसे पहले हमें इस मूड को ना किल करना होगा। हर चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं, ये आपके लिए इतना प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, यही जो पिछली स्टोरी मैंने 300 लोगों की जो स्टोरी सुनाई थी ना, और जिस मैं उस स्टोरी को अभी कंटिन्यू करता हूँ, अभी बताता हूँ आपको कि उसका एंड कहाँ पे हुआ, मैंने अभी एंड जान पूछ के नहीं बताया था। तो सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट, आप जब घर से उठ के आ रहे हैं ना तो एक जज्बे के साथ उठ के आइए,
ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सारे कोलीग्स के लिए ही है, मैनेजमेंट लेवल के लिए नहीं है या लीडरशिप टीम के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, यहाँ पे मेरे लिए भी है। अगर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हमारे मूड को दोनों आपस में जब भिड़ जाएंगे ना तो ब्लास्ट होगा सर। आप समझ जाइए कि क्या नाम है, जो मूड है ना वो आपके इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आप काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैं रात को 2 बजे सोता हूं जिससे मैं सुबह लेट उठता हूं, ये आजकल की कहानी हो रही है जो रोज आजकल सभी लोग कर रहे हैं, रोज लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। हो सकता है आप लोग कॉर्पोरेट वाले तो आप लोग जल्दी सोते हो और जल्दी उठ जाते हो, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा है कि लेट सोते हैं और देर से उठते हैं, फिर सारा दिन ड्राउजी रहते हैं, सारा दिन मुंह बना रहता है कि यार सर दर्द हो रहा है, यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और पूरे दिन का काम छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आपके जो प्रोडक्टिव मूड को ना आपका बैड मूड इम्पैक्ट करता है ना, तो इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है। फिर आप ऑफिस में ना आपका बड़ा सैड फेस लेके आते हैं, यार ये हो गया या ये हो गया। सो जो स्टोरी है मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ। स्टोरी 300 लोगों की थी, 300 लोगों का एक एक करके इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, इंटरव्यू के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन 1000 लोगों तक पहुंच गई। 1000 लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में हो गए तो हमने दोबारा से इंटरव्यू लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे जिस बंदे ने यह कहा था ना, मुझे मेरे सीईओ का नाम नहीं पता, मैं जानता ही नहीं सीईओ कौन है। तब मैंने जब बाद में उससे मिला, मैंने कहा सर आई वॉन्ट टू मीट यू कि आप किस कैबिन में बैठते हैं, कहाँ पे हैं, कौन से फ्लोर पे बैठते हैं। देन ही शो हिज कैबिन, उसने अपना कैबिन दिखाया, ही सेड कि मैं सीनियर सेल्स अपना मैनेजर बन चुका हूँ, सीनियर सेल्स मैनेजर बन चुका हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ कि मैंने अपनी चीजों को जाकर अपने सीईओ के पास रखा, अपने डायरेक्टर के पास रखा, अपने वाइस प्रेसिडेंट के पास रखा, और उसने मेरी जरूरतों को समझा, मैंने उनके मुताबिक काम करके दिया, और वो काम आज मेरी कंपनी के लिए यहां पर है, और वो उसके लिए मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी वो चाहती थी कि क्या नाम है, मैं इस चीज को करके रहूं और मैं अपनी मैनेजमेंट को शो करूं कि ये मेरा टारगेट था और मैंने इसे कंप्लीट करके दिखाया। अगर ये चीज हम करेंगे तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत टॉप लेवल पे पहुंच सकती है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और आप देखिए कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहां 300 लोग थे, ऑल्दो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि अपने ऊपर कंप्लायंसेस, अकाउंट्स वाले तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि कंप्लायंसेस को ज्यादा वो लोग हैंडल नहीं करना चाहते कि भाई इतना बर्डन आ गया कि आज 100 एम्प्लॉयज बढ़ा लिए तो क्या नाम 20 लाख की सैलरीज हम दें और ये करें। नहीं, कंपनी तब तक हायर नहीं करती किसी इंसान को जब तक उसके अंदर काबिलियत ना हो या कंपनी खुद ग्रो ना कर रही हो। तो वो कंपनी बढ़ी और फाइनली वो जो बंदा था मुझसे जब दोबारा मिला, कहता यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बताई ना आपने, अपने मैनेजर के पास, अपने सीईओ के पास, अपने जो भी क्या नाम है टॉप लेवल लीडरशिप के पास, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को ले जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट को ले जाएंगे, अपनी चीजों को ले जाएंगे और कंपनी के वेलफेयर के लिए अगर कोई भी आपने चीज सोची हुई है अगर आप उसे ले जाएंगे, तो वो चीज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। और अगर आपने उनको प्रूफ करके दिखा दिया कि आई एम द वन, जो मैं ही हूं वो कंपनी का बंदा कि जिसको आप हायर कर रखा है ना, और वही कुछ करके दिखा सकता है, कोई और नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मैं ये चीज लाया हूं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बनेगा। अकबर और बीरबल की कहानियां सबने सुनी है, तो प्लीज अगर आप थोड़ा सा गर्दन हिलाए तो पता लगेगा, थोड़ी सी एक्टिवनेस होगी। हाँ, अकबर और बीरबल की कहानी सबने सुनी है। क्या आपको लगता है कि कभी बीरबल की अगर अकबर नहीं सुनता तो क्या होता? मुझे ऐसा लगता है कि अकबर की अगर बीरबल नहीं सुनता ना तो अकबर मर चुका होता, अकबर आधा बर्बाद हो चुका होता। आप बीरबल की तरह बनिए, आप सही सलाह दीजिए, आप ऐसी सलाहें लेके जाइए जो आपकी कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो। अकबर, सबने वो वाली कहानी तो सुनी होगी कि क्या नाम है, एक बार ही जो है अकबर का अंगूठा कट गया था, सुनिए कहानी।
नहीं सुनी, चलो मैं सुनाऊंगा इसे, जरूर सुनाऊंगा, बट लेकिन जो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक है उसके लिए मैं डिस्कशन करता हूं। मैं बता रहा था आपको कि ऐसे सलाहकार बनिए, देखिए कमिटेड, आपको कमिटेड जो एम्प्लॉय बनना ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप कमिटेड एम्प्लॉय नहीं बनेंगे तो क्या होगा आपके, अगर कमिटेड एम्प्लॉय नहीं बनेंगे तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि एक ऐसा एम्प्लॉय बना, मतलब वो हायर करके रखे या ऐसा एम्प्लॉय उसके साथ रहे जो कोई प्रोडक्टिविटी दिखाता ही ना हो। अगर वो प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाएगा तो कैसे चलेगी लाइफ, कैसे आगे बढ़ेगी कंपनी, कैसे आगे बढ़ेगी आपका विजन, कैसे आगे बढ़ेगा। आज एक बंदा 10,000 की सैलरी पे काम कर रहा था और कल वही बंदा 1,00,000 की सैलरी पे काम कैसे कर सकता है, कैसे हायर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो ज्यादा मतलब सैलरीज लेते हैं, कैसे हायर मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं इतनी ज्यादा नॉलेज के साथ होते हैं, क्यों? उनको पता होता है उनका विजन कहाँ है, उनको पता होता है कि वो जिस जगह पे हैं उन्हें उस जगह पे आगे बढ़ना है, उस जगह पे लोगों को आगे बढ़ाना है, और वो अगर आगे बढ़ते हैं तो कंपनी आगे बढ़ती है। और कंपनी हमेशा प्रेज उन्हीं लोगों को करती है जो इंसान आपके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेलफेयर सोचता है। ये सबसे ज्यादा देखिए जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे लैग करेंगे, पीछे हट जाएंगे। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद में बात कर अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटेबल बनिए, बी अकाउंटेबल। अगर आप अकाउंटेबल बनेंगे तो आपको पता होगा कि भाई जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो भले से कोई भी चीज हो, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आप विश्वास लायक बनेंगे डेफिनेटली मैं मानता हूं कि इस चीज को आपकी कंपनी भी कभी भी नहीं रोक सकती। अगर आपकी गलती है, लेट्स से कि नितेश, मैं अगर कोई गलती करता हूं, नितेश शर्मा अगर कोई गलती करता है और वो अपने बॉस के सामने आके सीधे कह देता है कि सर मुझसे आज ये गलती हुई है और ये गलती आज के बाद रिपीट नहीं होगी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो इंसान अपनी इस बात को आके रख देता है ना, वो इंसान से कामयाब कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गलती कहाँ है। किसी ने महाभारत हम सभी ने देखी होगी सर, आजकल बहुत ज्यादा लॉकडाउन में लोग महाभारत ही देख रहे हैं। आपको पता है कि जो कर्ण था, जिसको सबसे ज्यादा दानवीर बोला जाता था, कर्ण था, उसको पता था कि वो गलत साइड पे है, उसको पता था कि वो कौरवों की साइड पे है, और वो कौरवों की जो साइड थी ना वो गलत थी, और उसको पता होने के बावजूद भी वो कौरवों की साइड से ही लड़ा। वो चाहता तो बहुत सारे मतलब सच की तरफ भी जा सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसने अपने वचन से बंध था, वो वचन से क्या नाम है बंधा हुआ था, लेकिन उसका बेस्ट पार्ट ये था कि उसने चीजों को एडमिट किया, उसने चीजों को कमिट किया कि यस मैं धर्म के साथ होने के बावजूद भी अधर्म कर रहा था। एंड जो इंसान अपनी गलतियों को मान लेता है ना वो इंसान आगे पहुंच जाता है। ठीक है, सो हम इस चीज को तो ध्यान में रखेंगे रखेंगे। ये सारी चीजें मैंने जितनी बताई कि लीडरशिप के बारे में, बेस्ट हम एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, हमारा कॉमन विजन क्या होना चाहिए, हमारी पर्सनल पावर को हम फायदा ना उठा के, हम पोजीशन पावर को फायदा ना उठा के एक कॉमन वे में चलें। ठीक है, इन्फ्लुएंस होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी से इंस्पायर होना चाहते हो तो उसकी पर्सनल पावर से इन्फ्लुएंस होए, ऐसा ना हो कि क्या नाम है आज आपका एचआर बोले कि भाई मैं तो एचआर हूं तुझे ये करना ही पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो उससे एक प्यार का रिश्ता रखिए, एक मीठी बोली रखिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौरव, कुछ एक्टिविटी। जी जी गौरव, कुछ जी सर। गौरव आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर बिल्कुल। गौरव आपने ये जो करण का उदाहरण दिया ना, जी नितेश की तरफ से एग्जांपल रहा, मेरी तरफ से नितेश, नितेश जो अभी आपने करण का जो उदाहरण दिया, करण ने अपनी निष्ठा पूरी वो दुर्योधन के साथ लगाई थी। जी जी जी, यही मैंने कहा। हाँ ऐसा ही है ना। जी हाँ जी, तो सभी लोग अपनी निष्ठा से अगर काम करेंगे तो उसका 100% निकल के आता है, राइट, ऊपर से लेके नीचे तक।
राइट, और नीचे से लेकर ऊपर तक, राइट, निष्ठा बहुत जरूरी है, राइट, आप किस साइड है किस साइड नहीं है वो चीजें मायने नहीं रखती है गौरव, एक्चुअली आपकी निष्ठा मायने रखती है। बिल्कुल सर जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू श्याम जी, थैंक यू सर, ओके गौरव, यस नितेश प्लीज, ओवर टू यू फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड फॉर द एनर्जाइजिंग सेशन। ऑलराइट, थैंक यू नितेश, एंड आई बिलीव जितने भी लोग हमारे यहाँ पर इस सेशन में मौजूद हैं, आपको लीडरशिप और लीडरशिप की जो पावर्स हैं उनके बारे में सुन के और जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि आपके पास में एक पेन और एक पेपर होना चाहिए, और मैंने आपसे एक सेंटेंस लिखने को कहा था जिसकी शुरुआत हो रही थी माय शिप इज, यानी मेरा जहाज जो है, फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स डैश 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 थे। तो अभी वो पेपर अपने पास में रखिए क्योंकि उस पेपर पर आपको कुछ और लिखना है। मैं आप लोगों के बीच में एक एक्टिविटी कराना यहाँ पर चाहता हूँ। So first of all, I'm going to put this session in gallery view ताकि मैं आप सभी लोगों को देख पाऊं और आप सभी लोग अच्छे से मुझे देख पाए। मैं एक गेम यहाँ पर कंडक्ट कराना चाहता हूँ और जो ये गेम है बहुत ही सिंपल सा है। This game is known as, इस गेम के अंदर एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आप लोगों को दे दूं कि मैं आपको दो सेंटेंसेस दूंगा, दो वाक्य दूंगा या फिर दो एग्जाम्पल दूंगा, और वो दो एग्जाम्पल किसी एक शब्द पर, एक वर्ड पर जाकर आंसर में खत्म होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आप इस गेम में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। एक पेंसिल ब्रांड, यानी जो पेंसिल बनाती है कंपनी उसका ब्रांड, और लॉर्ड ऑफ डांस यानी नृत्य के जो देवता है, राइट, एक पेंसिल ब्रांड और नृत्य के देवता, इसका आंसर क्या है? इफ एनीबडी वुड लाइक टू, यस, सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट मिस्टर विकी हियर। यस मिस्टर विकी प्लीज। सर आंसर इज नटराज। नटराज बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों को नटराज आंसर पता था? प्लीज हाथ उठा दीजिए, प्लीज शो योर हैंड्स। ऑलराइट, सो इसका मतलब यह है कि आप इस गेम से अब वाकिफ हो चुके हैं और आप खेलने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। तैयार हैं कि नहीं है? इफ यू ऑल आर रेडी प्लीज शो मी योर राइट हैंड, please show me your right hand, all of you. Wonderful. Okay, Mr. Vicky, I'm going to unmute you here. Sorry, okay, I'm going to mute you here. I'm going to mute you again. Because the reason is, ताकि कोई disturbance ना हो, आप सभी लोग मेरे instructions को सुन पाएं और आप अपने जो responses हैं उन्हें paper पर note कर पाएं। मेरे पास यहाँ पर in total कुछ responses हैं। जिस भी रेस्पॉन्स का जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूं उसको नंबर वन से स्टार्ट करते हुए लिख लीजिए। यानी मेरा पहला सवाल आप लोगों के लिए आने वाला है, आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट करना है। हर क्वेश्चन के बाद में मेरा आंसर होगा, आप असेसमेंट करेंगे अपना, यानी खुद से ही आप अपनी कॉपी चेक कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो आपको बिल्कुल फेयर रहना है, चीटिंग आप कर सकते हैं पेपर में, पर यहाँ इस फोरम में आप चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। तो तैयार रहिए अपने आप को असेस करने के लिए। अगर आपका आंसर सही है आप अपने आप को एक पॉइंट देंगे, अगर आपका आंसर गलत है तो आप अपने को देंगे जीरो। ऑलराइट, सो इफ यू ऑल आर रेडी प्लीज अपना जो दाहिना हाथ है हवा में इस तरीके से उठा दीजिए, इफ यू ऑल आर रेडी फॉर माय फर्स्ट क्वेश्चन। सुपर, ऑल ऑफ यू आर। मेरा सवाल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनिए। इट्स अ ज़ोडियक साइन, जो राशि होती है, राशि ज़ोडियक साइन, एंड ऑल्सो नेम ऑफ अ डिजीज, यानी एक बीमारी का नाम भी है और एक जोडियक साइन भी है, एक राशि फल का नाम भी है। वॉट इज योर आंसर प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप। ओके, सो जिन लोगों ने आंसर लिखा है कैंसर, यानी कि कर्क राशि या कर्क रोग, तो ये जवाब उनका सही है, प्लीज अपने आप को एक एक पॉइंट दे दीजिए। अगर आपने कैंसर के अलावा या कर्क के अलावा कुछ और लिखा है तो अपने आप को जीरो पॉइंट दे दीजिए, शून्य अंक दे दीजिए। ओके, आर वी ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज शो मी योर राइट हैंड, ऑल ऑफ यू। अगर आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं राइट हैंड दिखा दीजिए, वंडरफुल। इट इज अ सोप ब्रांड, यानी कि एक साबुन कंपनी का नाम है और साथ ही साथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक वाद्य यंत्र है। सोप ब्रांड एंड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप अपना आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइए, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। 10, 9,
आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक, समय समाप्त। जिन लोगों ने भी आंसर लिखा है संतूर, सही जवाब है, अपने आप को एक एक पॉइंट दे दीजिए। जिस किसी ने भी संतूर के अलावा कुछ लिखा है अपने आप को दे दीजिए अंडा, यानी कि शून्य जीरो। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं अगला सवाल पूछूं तो प्लीज मुझे अपना सीधा हाथ दिखा दीजिए। शो मी योर राइट हैंड राइट अवे, सीधा हाथ हवा में दिखा दीजिए। सुपर। इट इज अ कार ब्रांड, कार कंपनी है, कार ब्रांड है, एंड ऑल्सो द नेम ऑफ लॉर्ड राम्स भक्त, लॉर्ड राम्स डिवोटी, भगवान श्री राम के भक्त का नाम भी है और कार कंपनी का नाम भी है। बताइए सही जवाब क्या। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लिख लीजिए सही जवाब को। मैं देता हूं आपको 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। ओके, जिस किसी ने भी आंसर लिखा है मारुति हनुमान, जो कि लॉर्ड हनुमान का नाम है, आपको लिखना है मारुति। सो श्याम जी, अगर आपने हनुमान जी लिखा है तो आपका जवाब मैं गलत मानूंगा, क्योंकि कार कंपनी का नाम हनुमान नहीं है, कार कंपनी का नाम राम का पूछा, लेकिन आपने राम भक्त पूछा आपने। सर मैंने कहा कि दो सवाल हैं, एक सवाल के अंदर दो सवाल हैं, कार ब्रांड का नाम भी है और लॉर्ड राम के डिवोटी जो हैं, यानी भगवान श्री राम के जो भक्त भी हैं उनका नाम भी है, तो आंसर एक कॉमन है वर्ड जो है मारुति। मारुति इज द करेक्ट आंसर। अगर मारुति सही जवाब लिखा है तो प्लीज अपने आप को एक पॉइंट दीजिए, अदरवाइज गिव योरसेल्फ अ जीरो। मूविंग ऑन, इफ यू आर रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सीधा हाथ दिखा दीजिए। दिस इज हाउ इट गोज, आप अगले क्वेश्चन के लिए मुझे दिखाएंगे राइट हैंड। ग्रेट, मूविंग ऑन, ध्यान से सुनिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक शू कंपनी यानी जूता बनाने वाली कंपनी का ब्रांड है, एंड ऑल्सो द नेम ऑफ अंडरग्राउंड ट्रेन, भूमिगत जो ट्रेन होती है उसका नाम भी है। शू कंपनी का नाम, अंडरग्राउंड ट्रेन का नाम, वॉट इज द करेक्ट आंसर? प्लीज नोट इट डाउन अकॉर्डिंग टू योर माइट एंड योर वाइस। 10 सेकेंड स्टार्टिंग नाउ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप। गौरव, मैं चाहूंगा कि जिनका ये डिवाइस है ओप्पो A7, एक बार इन सर से पूछा जाए कि इन्होंने क्या लिखा है। आई रिक्वेस्ट सर, इट्स मी, मेट्रो। मेट्रो इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका जवाब मेट्रो है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, एक अंक दीजिए, अदरवाइज अपने को जीरो दीजिए इस गेम में, इस राउंड में, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, इफ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज शो मी योर राइट हैंड इफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, मेरा अगला सवाल आप सभी लोगों से है। इट इज अ फ्रूट, एक फल है, एंड ऑल्सो नेम ऑफ शू पॉलिश ब्रांड, शू पॉलिश बनाने वाली कंपनी का ब्रांड भी है और एक फल भी है। सही जवाब क्या है अपने पास, लिख लीजिए। 10 सेकंड में शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम इज अप। गौरव, महेश जी से एक बार इसका आंसर ले तो। महेश जी से मैं आंसर ले लेता हूँ। महेश जी, चेरी। चेरी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर चेरी है तो आप अपने आप को दीजिए एक अंक, अगर नहीं है चेरी आपका आंसर, अपने आप को दीजिए शून्य। आगे बढ़ता हूं, एंड विदाउट इवन चेकिंग योर राइट हैंड्स फॉर दिस, आई आस्क माय नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज द नेम ऑफ अ बल्ब मेकिंग कंपनी, बल्ब बनाती है ये कंपनी, और साथ ही साथ सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत भी है, ये ऊर्जा का बड़ा स्रोत और बल्ब बनाने वाली कंपनी। आपका जो जवाब है लिख दीजिए। 10 सेकंड में शुरू करता हूं। अब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। नितेश जी बताइए। और अब श्याम जी से इसका आंसर पूछा जाए तो।
श्याम जी से पूछते हैं, श्याम कुमार जी से पूछे, श्याम कुमार जी से, जी 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 अनम्यूट कर दीजिए एक बार उन्हें, जस्ट होल्ड ऑन जी। श्याम कुमार जी, फिलिप्स, फिलिप्स सही जवाब सर नहीं है, फिलिप्स इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये जवाब लेते हैं हम, शशि जी ने हाथ उठाया, शशि जी से जवाब लेते हैं। शशि जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सूर्या, सूर्या बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो सूर्या अगर आपका आंसर है, प्लीज गिव योरसेल्फ वन पॉइंट, अदरवाइज गिव योरसेल्फ अ जीरो। गोइंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर पूछने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ मिनरल वाटर ब्रांड, मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी का नाम है, और साथ ही साथ एक माउंटेन यानी एक पर्वत का, पर्वत श्रृंखला का भी नाम है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लिख दीजिए अपने पास में, 10 सेकंड में शुरू करता हूं। एक बार फिर से मैं सवाल आपको बता दूं, मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी का नाम और साथ ही साथ माउंटेन, एक पर्वत का नाम, अपना जो आंसर है लिख दीजिए। 10 सेकंड शुरू करता हूं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो कौन जवाब देने वाला है? गौरव, जिनका ये डिवाइस नंबर आ रहा है 7B1C0F0। Just hold on. मैं एक बार, हाँ जी सर यहाँ पर है, मुझे देख रहे हैं। I'm going to unmute you, sir. Just hold on. अपना कोई डिवाइस अभी ऑफ ना करें। Yes, sir. Please, I've unmuted you. Please tell me your answer for this question. Is it Himalaya? Himalaya is the correct answer, sir. एक बार, correct answer, sir. एक बार भाई सर के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। I know I cannot hear you all because most of you are on mute. But anyway, thank you very much, sir. Could I please know your name, sir? 7B1, क्या मैं आपका नाम? रवि वर्मा। रवि जी, रवि सर, ओके। आई एम गोइंग टू रीनेम यू सर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। प्लीज डू। ये मैंने आपको रीनेम कर दिया है, एंड आई एम गोइंग टू गो अहेड विद माय नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत सारे लोगों को अपील करेगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से नितेश, और आप देखना जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो कैसे लोगों के चेहरे एकदम चमक जाएंगे। इट इज द नेम ऑफ अ बर्ड, एक चिड़िया का नाम है, और साथ ही में एक बियर ब्रांड, बियर ब्रांड भी है, बियर ब्रांड एंड ऑल्सो नेम ऑफ अ बर्ड। वॉट इज द करेक्ट आंसर? प्लीज नोट इट डाउन। महेश सर कह रहे हैं सबसे पहले मुझसे पूछो। महेश सर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम इज अप। व्हाट इज द करेक्ट आंसर नितेश? गौरव, महेश जी से हमने पूछा था, तो ये मैं चाहूंगा कि विक्की जी से पूछा जाए एक बारी। विक्की जी से ऑल्दो हम पूछ चुके हैं, बट एनी विच वे एक और ले लेते हैं। विक्की जी, विक्की जी प्लीज अनम्यूट फ्रॉम योर साइड, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए। यस विक्की जी, सर आंसर इज, जस्ट होल्ड ऑन सर, जस्ट होल्ड ऑन। आपका सर आंसर इज किंगफिशर। किंगफिशर इज द करेक्ट आंसर। सो जिस भी महानुभाव ने, जिस किसी भी पार्टिसिपेंट ने आंसर लिखा है, किंगफिशर इज द करेक्ट आंसर। एंड इफ यू हैव रिटन एनीथिंग एल्स, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। अगर किंगफिशर लिखा है, अपने आपको दीजिए एक पॉइंट, अदरवाइज अपने को दीजिए एक शून्य। नेक्स्ट अप, आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल, एक पेड़ है, पेड़ ट्री, और साथ ही में एक टूथपेस्ट कंपनी का नाम भी है, एक पेड़ भी है और एक टूथपेस्ट कंपनी का नाम भी है। सही जवाब आपका लिख दीजिए अपने पास में, 10 सेकंड आप सभी को देता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नितेश, गौरव, शमा जी से पूछा जाए, शमा जी से, जस्ट होल्ड ऑन। गौरव, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप, हाँ मैं एक बार महेश जी को अनम्यूट कर देता हूँ। जी महेश जी, मैं ये कह रहा था बहुत दिन से इसकी समस्या भी थी दांतों की, शमा के। शमा जी बताइए सही जवाब क्या है? ओह माय गॉड, शमा जी सही जवाब क्या है? एक पेड़ और साथ ही साथ एक टूथपेस्ट कंपनी का नाम, दोनों का जवाब एक ही है, टूथपेस्ट और ये डाबर। कौन सी कंपनी है? मैं बता दूं, डाबर लाल नहीं है, उसके अलावा सोचना। डाबर लाल तो नहीं सोचते, बबूल,
बबूल इज द करेक्ट आंसर. बबूल सही जवाब है. बबूल इज द राइट आंसर. तो अगर आपने बबूल लिखा है तो अपने आप को दीजिए एक पॉइंट. अगर आपने बबूल नहीं लिखा है तो अपने आप को दीजिए एक शून्य, एक जीरो दीजिए. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे डिस्कशन करते हैं, फिर हम दोबारा से एक और गेम को इंट्रोड्यूस करेंगे. श्योर. सो नितेश, जो अगला टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत डिस्कशन में आता है, बहुत बार डिस्कशन में आते हैं, और ये है डिफिकल्ट लोगों का टॉपिक. यानी कि कैसे कोई एक इंसान, एक जो डिफिकल्ट पर्सन होता है, कैसे उस इंसान के साथ हम डील कर सकते हैं, और कैसे वो डिफिकल्ट पर्सन अपने आप को पहचाने कि क्या मैं वो डिफिकल्ट इंसान हूँ कि नहीं. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है अपने आप में. तो मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी एक डिफिकल्ट इंसान के साथ में डील किया है. और मुझे पूरी उम्मीद है सभी की जिंदगी में एक से ज्यादा ऐसे लोग होंगे. शायद उनके दोस्तों में हो सकते हैं, शायद उनके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, शायद उनके फैमिली में हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स में हो सकते हैं. तो अगर कोई मुझे बताना चाहे कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा डिफिकल्ट इंसान को फेस किया हुआ है, अपना हाथ उठा दीजिए. अगर आपने एक से ज्यादा किसी डिफिकल्ट इंसान को फेस किया हुआ है. नितेश इज देयर, ही सेइंग कि हाँ भाई, मैंने एक से ज्यादा डिफिकल्ट लोगों को फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में. एंड आई बिलीव बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में डिफिकल्ट लोगों को फेस किया है. रोहित भी वहां पर कह रहे हैं कि हाँ, एक से ज्यादा डिफिकल्ट इंसानों को मैंने किया है. श्याम जी ने भी अभी अपना हाथ हवा में उठाया. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डिफिकल्ट इंसान होता कौन है, एक मुश्किल इंसान होता कौन है. मान लीजिए एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, किसी भी टॉपिक के ऊपर चल रहा है, और वहां पर सभी लोग अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं. वहां उस डिस्कशन में आपको एक इंसान ऐसा दिखेगा जो इंसान बाकी सब लोगों को शायद काट रहा होगा. एक इंसान आपको ऐसा दिखेगा जो बाकी लोगों को शायद बोलने नहीं दे रहा होगा. एक इंसान आपको ऐसा दिखेगा जो बाकी लोगों की जब बारी आती है, मान लीजिए कि श्रुति जी बोल रही हैं किसी टॉपिक के ऊपर, डिस्कशन चल रहा है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और श्रुति जी को बोलते बोलते इधर से नितेश ने उनको काट दिया बीच में कि नहीं 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 गलत बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं नितेश के अंदर वो डिफिकल्ट पर्सन के लक्षण दिख रहे हैं. जैसे कोरोना के बहुत सारे लक्षण होते हैं, वैसे डिफिकल्ट पर्सन के लक्षण होते हैं कि वो अपनी बात ज्यादा बताना चाहते हैं, दूसरे की बात कम सुनना चाहते हैं. डिफिकल्ट पर्सन के साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है. मान लीजिए आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट हियर इन द ग्रुप, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अभी, वहां सभी लोग डिस्कशन में कह रहे हैं कि गौरव, जो तुम ये बात बोल रहे हो ये गलत है. और वो 20 लोग हैं, 19 लोगों का कलेक्टिव नॉलेज है. एक बार मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कलेक्टिव नॉलेज हमेशा सही नहीं होती है. हर्ड मेंटेलिटी इज नॉट ऑलवेज राइट. पर फिर भी मान लीजिए 19 लोग अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि गौरव, जो तुम बात बोल रहे हो ये गलत है, और मैं अड़ जाऊं अपनी बात के ऊपर बिना ये सोचे समझे कि मैं सही भी हूं या गलत हूं, बिना ये देखे हुए कि मैं आगे वाले इंसान के जूतों में अपने पैर रख के देख रहा हूं कि नहीं देख रहा हूं. मैं बोलूं नहीं, मैं ही सही हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बात बिल्कुल सही है. इट मीन्स इफ इट इज ऑल अबाउट यू, अगर सारी चीजें सिर्फ आपके लिए ही हैं और आपके लिए ही बनी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, दिस शोज कि आप कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट इंसान हैं. इट वुड बी डिफिकल्ट टू डील विद यू, आपके साथ में डील करना, बातचीत करना, आपको समझाना सिखाना बड़ा मुश्किल काम होगा, और आपका खुद का समझना भी बड़ा मुश्किल काम होगा, आपका खुद का सीखना भी बड़ा मुश्किल काम होगा. अब बात आती है कि डिफिकल्ट पर्सन को पहचाना कैसे जा सकता है. ये तो अभी तक जो मैंने बात की ये बात थी कि एक डिफिकल्ट इंसान को आप कैसे पहचान सकते हैं. अब बात आती है कि अगर मैं एक डिफिकल्ट इंसान हूं तो मैं कैसे अपने आप को पहचानूं. तो जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, प्लीज क्वेश्चन योरसेल्फ, और वो सवाल होना चाहिए, एम आई अ डिफिकल्ट पर्सन, क्या मैं एक मुश्किल इंसान हूं समझने में, सीखने में या बातचीत करने में. तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल कीजिए. और मैं आपको एक बात कहूंगा, चाहे कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा हो,
हर एक इंसान की एक गट फीलिंग होती है, जिसके बारे में नितिश ने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले। वो गट फीलिंग आपको बताती है कि आप सही हैं कि नहीं, आप गलत हैं कि नहीं। जैसा कि अगर आपने कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन लिखा और वो आंसर लिखते टाइम में आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार ये गलत है कि सही है, सो 9 times out of 10 times आपका वो आंसर गलत ही होगा। एंड गौरव, ऐसी डिफिकल्टीज हम सेम फेस करते हैं डीलिंग विद द क्लाइंट आल्सो, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो क्लाइंट में डील करती हैं, क्लाइंट के साथ डील करती हैं। सो हम उसी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। मैं आपको अब यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस तरीके के डिफिकल्ट इंसान को कैसे चेंज करना है, क्योंकि क्लाइंट डीलिंग इज टोटली अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अभी हम एक पर्सनल लेवल पर ही पूरा डिस्कशन रख रहे हैं, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक ऐसे इंसान को बदला जा सकता है, हाउ टू चेंज अ डिफिकल्ट पर्सन। क्योंकि देखिए, अगर आप एज अ लीडर बात करें तो आपको अपनी टीम में डिफिकल्ट लोगों के होने से बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं ये सवाल देखिए पूछ लेता हूँ महेश जी से। महेश जी, मान लीजिए आपकी टीम है, एक 10 लोगों की टीम है, फर्ज कीजिए, और उस 10 लोगों की टीम में एक बड़ा डिफिकल्ट इंसान है, मतलब जो आपकी बातें नहीं सुनता, जो आपकी लीडरशिप को, आपकी गाइडेंस को फॉलो नहीं करता, तो आपको ऐसे इंसान को फेस करने में या ऐसे इंसान को गाइड करने में प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है? नहीं, बिल्कुल, ऐसे इंसान को तो सभी के साथ परेशानी होती है। उसको फिर समझाना होता है अलग से, बिल्कुल, कि यहाँ पर तुम इस तरीके से बात काट रहे हो, ये तुम्हारे व्यवहार के लिए, व्यक्तिगत के लिए भी ठीक नहीं है, और जहाँ पर जिस संस्था से तुम जुड़े हुए हो उसके लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर महेश जी, जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि एक डिफिकल्ट जो पर्सन है, अगर वो आपकी टीम में होता है और उसको चेंज करना किस तरीके से पॉसिबल है, तो मैं अभी पहले लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बताऊंगा कि कैसे एक लीडरशिप में जो लोग हैं वो ऐसे डिफिकल्ट पर्सन को या डिफिकल्ट एम्प्लॉय को चेंज कर सकते हैं। एंड सिंस लीडरशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग टीम ऑफ लीडिंग पीपल, लीडिंग द टीम्स, तो ये आप सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप किसी ना किसी सेंस में एक लीडर हैं। अगर आप किसी ऑफिस की हायरार्की में सबसे नीचे भी हैं, तो आप शायद अपने घर की हायरार्की में सबसे ऊपर भी हो सकते हैं, आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल में सबसे ऊपर भी हो सकते हैं, तो आपके पास एक टीम है, आपको उस टीम को लीड भी करना है। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि आप ऐसे इंसान को कैसे डील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने ये कभी नोटिस किया है कि स्कूल टाइम में कभी कभी टीचर जो सबसे ज्यादा अनडिसिप्लिन बच्चा होता था उसको काम देने लग जाते थे कि चौक लेकर आओ? इफ यू अग्री विद मी, अगर आपको ऐसा लगता है कि टीचर्स किसी अनडिसिप्लिन बच्चे को खासकर की बोलते थे कि चौक लाने का काम तुम्हारा, या फिर आज बोर्ड साफ करने का काम तुम्हारा, तो प्लीज हाथ उठा दीजिए अगर आपको लगता है कि ऐसा होता हुआ आपने देखा है, सुना है, ऑब्जर्व किया है कहीं कि टीचर ये करते थे कि डिफिकल्ट और अनडिसिप्लिन बच्चे को कुछ काम दे दिया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल, रवि जी ने भी हाथ उठाया, वहां से नितिश ने भी, एंड रोहित भी यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं, शशि जी भी। तो सबसे पहला लीडरशिप के लिए जो जरूरी है वो ये है कि आप एक डिफिकल्ट पर्सन को चैलेंज कीजिए। प्लीज चैलेंज अ डिफिकल्ट पर्सन, आप उनके सामने चैलेंजेस पोज कीजिए। यानी कि अगर जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ, मेरे क्लास में जब मैं स्कूल में था, 7th class की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक बहुत अनडिसिप्लिन बच्चा जिसका नाम बलराम, तो बलराम क्या करता था, बलराम को पढ़ने में बिल्कुल यकीन था नहीं। देखिए, सबकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, सबका अपना मूड भी हो सकता है, और ये बिल्कुल अलग ही बात है कि हम किसी स्टूडेंट को कैसे अच्छे तरीके से उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। बट बलराम के साथ में जो हमारी क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या किया, अंजू मैडम ने क्या किया कि अंजू मैम ने बलराम को एक काम दिया, कि मेरे जो दो यहाँ पर क्लासेस होंगी, उन दो क्लासेस में आप ही चौक का अरेंजमेंट करोगे और आपको ही बोर्ड साफ करना है। तो अंजू मैडम ने क्या किया कि अंजू मैडम ने एक ऐसा काम जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बलराम अगर वो काम ना करे तो वो काम होगा ही नहीं, वो एक ऐसा काम विच इज अ मीनियल जॉब वो बलराम के जिम्मे दे दी। अब क्या हुआ कि बलराम अपने आप को, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो या ना हो, पर अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट मानते हुए या दिखाना चाहते हुए वो काम करने लगा।
और धीरे 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 बलराम के जो ग्रेड्स है, बलराम के जो मार्क्स थे अंजू मैडम के सब्जेक्ट्स में, अच्छे होने लगे, पहले के मुकाबले अच्छे होने लगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सबसे पहले एज अ लीडर आप डिफिकल्ट इंसान को चैलेंज पोज कीजिए, उनके लिए कुछ काम दीजिए, छोटे मोटे काम उनको दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो काम 10 out of 8 टाइम्स अच्छे हो रहे हैं तो आप उनको थोड़े और बड़े काम दीजिए, प्रोवाइडेड कि जो पिछले जो दो काम छूटे थे या गलत हुए थे, आप उस इंसान को, उस डिफिकल्ट पर्सन को समझाएं भी, बताएं भी कि इस काम को ऐसे करना चाहिए था और इस तरीके से काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता था। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। अब बात आती है इसी टॉपिक पे, क्योंकि अनडिसिप्लिन होता है कोई बच्चा तो अनडिसिप्लिन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो पेश करता है। तो अनडिसिप्लिन का एक एग्जाम्पल, अच्छा बलराम का नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि बलराम मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो मैं उसका एग्जाम्पल ले सकता हूँ, ही हैज गिवन मी दिस लिबर्टी। तो बलराम ने एक आदत क्या आजमाई, अब क्योंकि हुआ क्या कि अंजू मैडम ने उसको दो क्लासेस के लिए अरेंजमेंट करने के लिए बोला, तो बाकी के एक दो टीचर्स ने भी यही काम उनको दिया। अब दिक्कत क्या हुई, बलराम जी छोटे छोटे टूर पे जाने लगे, यानी कि जो रास्ता सिर्फ एक मिनट में पूरा हो सकता था, क्लास से ऑफिस में जाना और ऑफिस से चौक का डब्बा लेकर आना, जो छोटा सा रास्ता सिर्फ एक मिनट में पूरा हो सकता था, उसके लिए बलराम जी ने एक लंबा रास्ता देना चालू कर दिया। पहले वो पानी पीने जाता था, पानी पीने के बाद में फिर वो ऑफिस जाता था, ऑफिस जाने के बाद वो बड़े रास्ते से बड़ा रास्ता लेके क्लासरूम में एंट्री करता था, यानी जिसमें वो 5 से 7 मिनट लगा देता था। सो अब बात आती है डेडलाइंस की, यानी कि एक लीडर को, एक डिफिकल्ट पर्सन को, अगर एक डिफिकल्ट एम्प्लॉय को अगर मैनेज करना है तो उनको चैलेंजेस तो पोज करने ही हैं, साथ ही साथ में उनके लिए डेडलाइंस भी सेट करनी है, क्योंकि बिना डेडलाइन के वो बलराम भारद्वाज की तरह इधर उधर मटर गश्ती करता रहेगा। शायद वो काम जो सिर्फ 3 घंटे में कंप्लीट हो सकता था, उस काम के लिए वो डिफिकल्ट पर्सन शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी लगा दे। और अगर लीडर का ध्यान नहीं है उसको ऑब्जर्व करने में, उस डिफिकल्ट पर्सन को ऑब्जर्व करने में, तो शायद अगर मान लीजिए लीडर वो चीज भूल जाता है कि मैंने ये काम दिया इस डिफिकल्ट पर्सन को, तो वो काम जो 3 घंटे में होना चाहिए था वो बलराम की वजह से तो पहले ही 3 दिन में हुआ। और अगर लीडर का ध्यान नहीं था तो जब तक लीडर दोबारा से उसको संज्ञान में नहीं लेगा, जब तक लीडर उसको ऑब्जर्व करना फिर से स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक वो काम पेंडिंग रहेगा और वो काम पूरे सिस्टम को स्लो डाउन कर देगा। एंड दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन। मान लीजिए चौक खत्म हो चुकी है तो तब तक वो क्लास वहीं पर रुकी रहेगी, या फिर टीचर को बाकी कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा कि आज आप पिछले चैप्टर का कुछ सुनाओ। तो इस चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। स्ट्रिक्ट डेडलाइंस बनाने की बात मैंने बात अभी कही डिफिकल्ट लोगों के लिए। अब बात आती है कि ऐसे डिफिकल्ट इंसान को आप किस तरीके का माहौल देंगे। देखिए जब भी माहौल अच्छा देने की बात आती है तो बात आती है एक हेल्दी कंपटीशन की, यानी एक ऐसा कंपटीशन जिसमें एक इंसान दूसरे वाले का बुरा ना चाहते हुए, दूसरा इंसान पहले वाले का बुरा ना चाहते हुए उस कंपटीशन में बने रहे और अपनी बेस्ट एबिलिटीज को शोकेस करके उस विजन को जो लीडर ने उनके सामने दिया है उस विजन को फॉलो करे विद इन गिवन डेडलाइन, तो वो काम बहुत अच्छे से होगा। तो हेल्दी कंपटीशन देना एम्प्लॉयज को बहुत जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी जैसा मैंने कहा और महेश जी ने भी बताया कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा भी डिफिकल्ट एम्प्लॉय या डिफिकल्ट पर्सन आपकी टीम में हो या फिर आपके जान पहचान में हो, तो आप वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर उन लोगों के बीच में, उन दोनों के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन दीजिए। यानी कि आप उनको एक कॉमन टास्क दे सकते हैं, एक कॉमन गोल दे सकते हैं, एक कॉमन शॉर्ट टर्म गोल दे सकते हैं, और फिर देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कौन उस गोल पर पहले पहुंच रहा है। और साथ ही जब आप देख रहे हैं कि किसी एक की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, दूसरे की परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, तो वहां पर एज अ लीडर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन दोनों की ही हेल्प करें। ऐसा ना हो कि किसी तरीके का फेवरिज्म हो, ऐसा ना हो कि अगर एक ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप उसको प्रिफर कर रहे हैं, या तो ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, या तो अगर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो बिल्कुल भी प्रिफर नहीं कर रहे हैं, आप खुद उसे अवॉइड करना चाहते हैं। बिकॉज क्योंकि देख लीजिए इस चीज को समझने की इस तरीके से कोशिश कीजिए कि जब हेल्दी कॉम्पिटिशन दो एम्प्लॉयज के बीच में या दो डिफिकल्ट पर्सन के बीच में होगा तो वो अपने आप में ही
उस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि अपने आप को दूसरे इंसान से अच्छा साबित करने के लिए तो कंपटीशन जरूरी ही है। और मैं इस कंपटीशन को कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि जब भी हम कभी भी कोई सेशन लेते हैं, स्पेशली नितेश और मैं कोई सेशन कर रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। वी ऑलवेज मेक श्योर कि नितेश फॉर दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट, नितेश सेज कि फॉर दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट, एंड देन अकॉर्डिंगली वी डू रिसर्च, अकॉर्डिंगली वी डू द केस स्टडीज। तो सेम गोज फॉर दैट डिफिकल्ट पर्सन, कि आप उस डिफिकल्ट पर्सन को एज अ लीडर टास्क दीजिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन दीजिए, एक ऐसा एनवायरमेंट दीजिए कि वो अपने आप को नर्चर करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। स्किल्स बढ़ाने का तरीका भी कहीं ना कहीं एज अ लीडर आपको ही बताना है। तो ये बात हुई हेल्दी कॉम्पिटिशन की। अब बात आती है मोटिवेट करें पर्सनल कैपेसिटी में और प्रोफेशनल कैपेसिटी में। नितेश आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था ड्यूरिंग योर लीडरशिप डिस्कशन व्हेन यू वर डूइंग इट, तो आपने पॉइंट बताया था कि एक पर्सनल इन्फ्लुएंस होती है और एक कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल पावर होती है, राइट? तो वही चीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती है उस डिफिकल्ट इंसान के ऊपर भी, कि आप उस डिफिकल्ट इंसान को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी मोटिवेट कीजिए, आप उस इंसान को अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी मोटिवेट कीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग होते हैं। मान लीजिए 5 लोगों का स्टार्टअप है, उस 5 लोगों के स्टार्टअप में एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा डिफिकल्ट पर्सन है, नॉट फॉर द वे द पर्सन बिहेव्स बट फॉर द रीजन दैट द पर्सन इज नॉट मोटिवेटेड इनफ टू रीच द टारगेट्स और कंप्लीट द टास्क एंड डेडलाइन। तो वहां पर बात आती है उन्हें मोटिवेट करने की। कितने ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा फैक्टोटम में जितने भी लोग मौजूद हैं, जिनको लगता है कि फैक्टोटम मेरी कंपनी है, फैक्टोटम इज माय ब्रांड, माय ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू फील सो प्लीज शो मी योर राइट हैंड। अगर आपको लगता है फैक्टोटम इज योर ब्रांड, योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप हवा में अपना सीधा हाथ उठा दीजिए। सुपर सुपर। तो देखिए, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझते हैं तो अपना समझ के काम भी करते हैं, वो आप एक अलग लेवल की मोटिवेशन के साथ करते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ, ये जो मोटिवेशन, ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए मुझे खुद मोटिवेट होना है, सेल्फ मोटिवेशन की मुझे दरकार है, मैं अपने आप से मोटिवेट होऊंगा, मैं इस तरीके के मोटिवेशन सेशंस में, इस तरीके के लीडरशिप जो सेशंस है उनको ज्वाइन करूंगा, साथ ही साथ अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के बीच में रखूंगा जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं हमेशा। तो कितने ऐसे लोग हैं भाई यहाँ पर जिन्हें लगता है कि आप एक्चुअली में वो हो जाते हैं जो आपके आसपास के 5 मेन लोग होते हैं, आप एक्चुअली में अपने आसपास के 5 खास लोगों की आदतों का मिश्रण होते हैं। इफ यू अग्री विद मी शो मी योर हैंड, इफ यू अग्री विद मी शो मी योर हैंड प्लीज, कि आप की जो आदतें हैं, आपके जो आचार विचार हैं, आपके जो व्यवहार है, वो आपके आसपास के खास 5 लोगों का मिश्रण होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बिल्कुल आई बिलीव कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ अस वुड अग्री, इनफैक्ट 90% ऑफ अस वुड अग्री कि हम जो होते हैं हम अपने आसपास के 5 लोगों के इन्फ्लुएंस के ऊपर आधारित होते हैं। तो अपने आप को, अपनी फैमिली के अलावा खास करके, क्योंकि देखिए फैमिली तो आपकी फर्स्ट इन्फ्लुएंस है ही, कहते हैं ना कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है उसकी खुद की माँ होती है, उसका खुद का परिवार होता है, तो वो फैमिली तो है ही। तो कोशिश कीजिए कि फैमिली में भी एक अच्छा माहौल हो, साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, खास करके जो लीडरशिप टीम है, आपके कोई ना कोई मेंटोर्स भी होने चाहिए। देखिए मैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि जब आप मझधार में होते हैं एज ए लीडर, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो आपको गाइड करे, जो आपकी गट फीलिंग भी हो सकती है, जो आपका किसी बहुत बड़ी शक्ति में आपकी श्रद्धा भी हो सकती है, या आपके कोई मेंटोर का आप एक्सपीरियंस भी हो सकता है। सो आपके मेंटोर का होना बड़ा जरूरी है किसी भी लीडर के लिए। और उसी तरीके से आप डिफिकल्ट पर्सन को मोटिवेट जरूर करके रखिए, और अपने आसपास ऐसे 5 लोग आइडेंटिफाई कीजिए
जिनसे बात करके आपको बड़ा पॉजिटिव फील होता है कि आपकी सारी टेंशन चली जाती हैं। देखिए शायद आप हमेशा हर उन पांच इंसान में हर एक से कुछ ना सीखें, शायद उनकी जो नॉलेज है अबाउट द सब्जेक्ट उतनी ज्यादा ना हो, पर क्या पता उनका बिहेवियर बहुत इम्पैकेबल हो। सो प्लीज कीप कंपनी विद दोस फाइव अमेजिंग पीपल, उनसे सीखिए एंड दैट इज हाउ एज अ लीडर यू कैन मेक श्योर यू कैन चेंज द डिफिकल्ट पर्सन। एंड दिस इज हाउ एज अ डिफिकल्ट पर्सन इफ यू हैव आइडेंटिफाइड योरसेल्फ बाय आस्किंग द क्वेश्चन एम आई अ डिफिकल्ट पर्सन, यू कैन एक्चुअली चेंज योरसेल्फ। मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या होता था, जब मैं इस प्रोफेशन में आया था एज एन एंकर मैंने स्टार्ट किया, तो वहां पर क्या होता था, मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो मैंने सीखना बंद कर दिया। मुझे रियलाइज हुआ, गुड थिंग अबाउट मी कि मैंने ये रियलाइज कर लिया सही समय पर, एंड आई हैड गुड पीपल अराउंड मी लाइक नितेश शर्मा हु टोल्ड मी दैट गौरव यू नीड टू डू समथिंग न्यू, यू नीड टू डू समथिंग एल्स व्हिच इज गुड इनफ। तो नितेश ने मुझे वो पॉइंट आउट किया, मैंने खुद समझा, तब मैंने कुछ नई चीजें सीखी। तो हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहिए। इट कुड बी अबाउट योर लुक्स, इट कुड बी अबाउट योर नॉलेज, इट कुड बी अबाउट इंक्लूडिंग समबडी हु इज आउट देयर। ऐसे चार पांच लोग आइडेंटिफाई कीजिए जहां से आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट डिफिकल्ट पीपल। और इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए या नेक्स्ट टॉपिक पर आए विच इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, उससे पहले एक छोटा सा जो एक्टिविटी रह गई थी उस एक्टिविटी पर आ जाते हैं। नितेश, आर वी गुड टू गो विद द एक्टिविटी? यस यस यस। ओके, सो दोस्तों सिंस वी आर अ बिग फैमिली, जितने लोग यहाँ पर अभी सेशन में, सिंस वी आर अ बिग फैमिली, तो मुझे उम्मीद है कि हम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी जजमेंट के इस एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। आई हैड आस्क्ड यू कि आप लोगों को एक सेंटेंस लिखना है जो कि है माय शिप इज, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था माय शिप इज वेरी बिग एंड लार्ज। तो ये एक बड़ी फनी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में होने क्या वाला है, ध्यान से सुनिए, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जो सुनने वाले हैं वो सुनेंगे और समझेंगे। माय शिप इज में जो दूसरा शब्द है शिप, उस शिप में से अगर आप एस को हटाते हैं, एस लेटर को हटाते हैं, उसके साथ में आप पूरे सेंटेंस को बोलेंगे, आप उसको हटाएंगे नहीं, बोलेंगे आप माय शिप इज ही, अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे माय शिप इज। बिल्कुल, हम समझेंगे उसे कि जैसे वो सेंटेंस कहा जा रहा है, माय शिप इज में जो शिप वर्ड है, शिप का एस हटा के कहा जा रहा है, उस तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों इफ वी आर ऑल रेडी फॉर सम लाफ्टर, अगर हम तैयार हैं थोड़ी सी हंसी के लिए, खुशी के लिए, एंड फॉर दिस आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू ऑल। तो अगर आपके आसपास में डिफिकल्टीज हैं, अगर कोई बच्चे हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर हैं वो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप म्यूट करके रखेंगे, अदरवाइज आई एम गोइंग टू अनम्यूट ईच वन ऑफ यू। I'm going to unmute all. All right, everyone has been unmuted. If you are in the company of some kid, तो वहाँ पर दोस्तों आप इस तरफ से mute कर लीजिए। मेरा sentence था my ship is very big and large. तो मेरा sentence दोस्त ध्यान से सुनेंगे, समझते हुए कि मैंने ship में से s को हटा दिया है, और मैं बोलूँगा ship ही समझना आपको वही है जो आप समझना चाह रहे हैं, बिल्कुल जो मेरे साथ हैं। तो मेरा sentence कहता है My ship is big and large. तो दोस्तों ये था मेरा एग्जाम्पल, अब आते हैं हम नितेश के एग्जाम्पल पर। नितेश, what is your sentence? Say it out loud. मैंने ये लिख रखा है कि my ship is beautiful. क्या बात है नितेश जी? मुझे अंदाजा भी नहीं था एक्चुअली में ये वाली एक्टिविटी ऐसे होगी, तो ब्यूटीफुल लिख दिया। सो रोहित चौधरी, मैं एक एक करके नाम यहाँ पर लूंगा। रोहित चौधरी जी प्लीज। मैंने कुछ ज्यादा खतरनाक लिखा है। बताइए सर कितना खतरनाक लिखा है जी? माय शिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बात है सर। शिवम सोनी जी, शिवम सोनी जी, यस सर, बताइए सर अपना सेंटेंस बताइए, क्या लिखा? मैंने भी स्ट्रॉन्ग ही लिखा है सर। अच्छा, मैंने भी माय शिप इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जब मुझे लग रहा है दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, तो आप दोनों ने सेम लिख दिया। अक्षय जी पर आते हैं। अक्षय जी, अक्षय मेहरा जी, क्या लिखूं मैं? कुछ चीजें बनवा ले कुछ जल्दी से। अक्षय मेहरा जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। माय शिप इज वेरी लार्ज।
राइट मैं कुछ एक रेस्पॉन्सेज और लूंगा यहाँ पर. आदित्य सर. शिप इज सेलिंग हाई. सर सेल हाई कर रही है, कहाँ जा रही है एक बार पूछिए अपनी शिप पे. अकाउंट सेक्शन से हैं हमारे पास में. अकाउंट सेक्शन लिखा हुआ है इनका नाम बताइए प्लीज. अकाउंट्स मैनेजर आकाश. माय शिप इज न्यू. सर कौन सा मॉडल है प्लीज टेल मी. 2020. ऑल राइट महेश सर ओवर टू यू बताइए प्लीज. माय शिप इज ए बिग. माय शिप इज बिग. सर ये तो बाकी जनता जानती है. सर ये तो मेरा था. उन्हें लार्ज बोला था. ऑलराइट बिग कर दी. अभी मैं पूछने वाला हूँ विकी जी से. विकी जी सर मैंने लिखा है माय शिप इज लार्ज एंड लुक्स लाइक अ टाइटैनिक शिप. क्या बात है सर. मरवाओगे जल्दी. सर ध्यान दीजिएगा कहीं डूब ना जाए. बस डूबनी नहीं चाहिए. रवि सर ओवर टू यू. सर रवि सर नहीं याद है बहुत फनी हो जाएगा. रवि सर नहीं यार यही तो है जो हमने लिखा है यही तो बहुत फनी हो जाएगा. मैं अनम्यूट करता हूं वेट. हां जी रवि सर बोलिए. स्ट्रांग रवि सर कहते हैं इट्स स्ट्रांग. ओके सो दोस्तों ये सेशन में मैं बस सिर्फ कुछ एक रेस्पॉन्स लेने वाला हूँ क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो मैं अगली एक्टिविटी की तरफ अगले टॉपिक की तरफ जाऊंगा वेरी क्विकली. एंड नाउ फॉर दिस टॉपिक एवरीवन जो आपके रेस्पॉन्सेज हैं आपके पास में हैं सभी के रेस्पॉन्सेज आप उनको बाद में पढ़कर हंस सकते हैं और बाकी जो रेस्पॉन्सेज थे उनके ऊपर भी रिएक्ट कर सकते हैं. नाउ इज द टाइम दैट वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन यानी कि संवाद. You can mute all the mics. Okay, all right. Nitish, right before I talk about this topic, I'm going to mute everyone. And just hold on. Yes. So, Nitish, I'm going to unmute you first here. Sure. All right. So, as I said, now the topic of discussion is communication, yani ki samvad. So, communication jo hai, kya hai? Sabse pehle communication ko samajhte hain. कम्युनिकेशन है कि जब मैं अपनी बात आपको बता पाऊं आप अपनी बात मुझे बता पाएं समझा पाएं. मैं आपकी बातें सुन रहा हूं और आप अपनी बात मुझे अच्छे से सुना पा रहे हो तो ये है कम्युनिकेशन एंड इट इज गुड कम्युनिकेशन. आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स नाउ. तो ये है कम्युनिकेशन यानी कि संवाद. एक होता है मोनोलॉग. मोनोलॉग में क्या होता है कि आपस में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बात कर रहा होता है दूसरा इंसान बात या तो सिर्फ सुन रहा होता है या तो जवाब नहीं दे पा रहा होता है. सो दैट इज मोनोलॉग. वी आर कंसर्न्ड हियर अबाउट डायलॉग. डायलॉग दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. दो तरफा संवाद है. सो दो तरफा संवाद को कुछ इस तरीके से मैं समझाना चाहूंगा आप सभी लोगों को. मान लीजिए जैसे कि एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, एक पुल है, एक नदी है और नदी के ऊपर पुल है. उधर से जो जनता है इस तरफ आती है और इधर से जनता उस तरफ जाती है. मान लीजिए अगर इस पुल में सिर्फ और सिर्फ एक तरफ के लोग आने के लिए कहा जाएगी सिर्फ एक तरफ के लोग आएंगे. इधर भी एक गांव है नदी के, इस तरफ भी एक गांव है, बीच में नदी बह रही है और उस पर एक पुल बना हुआ है. आना जाना तो जरूरी है दोनों ही गांव के लोगों का इधर से उधर. मान लीजिए वहां पर एक जो पुल बना हुआ है कोई इंसान आता है या मान लीजिए फॉर सम रीजन वो एक तरफ का जो पुल है उसकी एंट्री बंद हो जाती है तो इससे क्या होगा. इससे ये होगा कि एक तरफ के लोग तो आ पाएंगे पर जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनको जाने के लिए अगर मना कर दिया जाए तो वो दूसरी तरफ के लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं. तो इससे हो क्या रहा है कि एक तरफ भीड़ बन रही है, एक तरफ इमोशंस इकट्ठे हो रहे हैं. एंड इमोशंस लीड टूवर्ड्स स्ट्रेस. जो इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस की तरफ इंसान को लीड करते हैं अगर वो इमोशंस आप डिस्कस ना कर पा रहे हो फॉर सम रीजन और द अदर. मान लीजिए अब जो एक गांव था अब इस सिचुएशन को रिवर्स करते हैं. मान लीजिए दूसरे गांव के लोगों की एंट्री उस पुल के ऊपर बंद हो गई है और सिर्फ जो जो पहला गांव था उसकी एंट्री हो पा रही है तो इसमें क्या हो रहा है. अगेन द सेम सिचुएशन इज राइजिंग. मैं इसका एग्जांपल इस तरीके से देता हूँ. मान लीजिए महेश जी हैं, रवि जी हैं और साथ ही में
हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए शिवम जी हैं, शिवम जी और रवि जी के बारे बीच में एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, और फॉर सम रीजन शिवम जी को बोलने ना दिया जाए और सिर्फ रवि जी बोल रहे हों, तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पर शिवम जी का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ रहा है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट हिमसेल्फ, वो अपनी बातचीत नहीं कह पा रहे हैं, वो अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं। और वहीं मान लीजिए इस सिचुएशन को मैं रिवर्स करता हूं, मान लीजिए रवि जी को फॉर सम रीजन बोल दिया जाए कि आप नहीं बोलेंगे अभी, और सिर्फ शिवम जी बोल रहे हैं, चाहे वो सही बोल रहे हैं चाहे गलत बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, पर वो सिर्फ शिवम जी को बोलने की परमिशन है। So now this stress would start building up on Mr. Ravi's side. तो रवि जी की तरफ वो जो स्ट्रेस है, वो इमोशंस है, वो बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। And as Nitish said, कि जब कोई स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस चाहे घर परिवार का स्ट्रेस हो, चाहे डेली लाइफ का स्ट्रेस हो, अगर आप उस स्ट्रेस को ऑफिस में लेकर आते हैं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इस चीज को ध्यान से समझें। मान लीजिए जो नितिश ने एक एग्जाम्पल दिया, नितिश ने एग्जाम्पल दिया कि रास्ते में एक आपसे या किसी और की गलती से एक एक्सीडेंट हो गया, और वो स्ट्रेस आप लेकर आप अपने ऑफिस में आ रहे हैं, और उस स्ट्रेस के चलते मान लीजिए जो शिवम जी हैं हमारे, उन्होंने रवि जी को बोला कि सर मैं ये काम नहीं कर पाया, ये रीजन था, ये था, वो था, और रवि जी को मैंने कह दिया, या रवि जी को किसी और ने कह दिया कि सर आप नहीं बोलेंगे अभी, तो वहां पर रवि जी अपना इनपुट नहीं दे पाएंगे, तो वो स्ट्रेस बिल्ड होने लग जाएगा कहीं ना कहीं, उससे निगेटिविटी पैदा होगी, उससे स्ट्रेस पैदा होगा, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की गिर जाएगी, डिफिकल्टीज बढ़ने लग जाएंगी। तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन हैज टू बी अ टू वे ब्रिज, एक दो तरफा ब्रिज होना चाहिए, पुल होना चाहिए, जिस पर ए टू बी और बी टू ए दोनों तरफ इमोशंस जा सके अच्छे तरीके से, जो ट्रैफिक है वो इधर से उधर जा सके, और साथ ही साथ में जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी बात है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ हो सके और दूसरी तरफ से पहली तरफ जा सके। दोस्तों ये छोटी सी बात थी कम्युनिकेशन की। अब बात आती है हमारे कि आप कितने अप्रोचेबल हैं, एक लीडर के संदर्भ में भी और एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के संदर्भ में भी आप कितने अप्रोचेबल हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं एक लीडर के कॉन्टेक्स्ट में, एक ऑर्गेनाइजेशन है बाय द नेम सत्या माइक्रो कैपिटल, इट्स अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। वी डिड अ सेशन फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन सत्या, एंड द नेम ऑफ द सेशन वॉज विहंगम, देवर ओवर 1500 पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, पूरे देश से 1500 से भी ज्यादा लोग वहां पर आए हुए, वहां पर मौजूद थे। तो मैं आपको बताता हूं भी अप्रोचेबल की जो बात थी, ओपन डोर पॉलिसी की जो बात नितिश ने की थी, और किस तरीके से ओपन डोर पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक लीडर के कॉन्टेक्स्ट में पहले बता रहा हूं, पर सुनना सभी को है। क्यों? क्योंकि लीडर वही होते हैं जो एक लीडिंग टीम को लीड करने के केपेबल होते हैं। अपने आप को लीडर मान के सबसे पहले चलिए, और फिर आप उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छे लीडर के तौर पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि दैट द बॉस द लीडर शुड बी अप्रोचेबल। कैसे? मैंने आपको एग्जांपल दिया सत्या माइक्रो कैपिटल का, 1500 लोग, प्रोग्राम का नाम विहंगम, बहुत ही बड़ा सा हॉल, प्रोबेबली द बिगेस्ट दैट आई हैव एवर डन अ सेशन फॉर इन टर्म्स ऑफ इंडोर। तो वहां पर क्या हुआ कि नितिश ने एक चीज नोटिस की, नितिश ने कहा कि गौरव ये संगम ये चीज बोल रहे हैं, विहंगम उस प्रोग्राम का नाम था, और उस प्रोग्राम के अंदर एक डिटेल थी, वो थी संगम, और वो स्टार्टिंग के प्रोग्राम में ही थी, इन द वेरी बिगनिंग। तो नितिश ने मुझसे पूछा कि गौरव ये संगम के बारे में आपका डिस्कशन कुछ हुआ है टीम के साथ में? मैंने सेड यस, मेरा डिस्कशन हुआ है, और संगम क्या है मैं आप अभी सभी लोगों को बता दूं, वो पूरा प्रोग्राम 3 से 4 घंटे का ही था। उस प्रोग्राम में 1 घंटे से ज्यादा का टाइम डेडिकेट किया वो जो हमारे सत्य माइक्रो कैपिटल के बॉस हैं उन्होंने, एंड ही वेंट पर्सनली टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय अवेलेबल ओवर देयर, ऑल 1500 ऑफ देम, उन 1500 में से तकरीबन 1400 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होंगे।
वो जो लीडर थे, वो बॉस थे, वो सबके पास गए, विवेक जी ने सबसे हाथ मिलाया विद एवरी सिंगल पर्सन, एक को भी ना छोड़ते हुए सबसे हाथ मिलाया, तो वो एक अप्रोचेबल नेचर शो करता है किसी बॉस का कि हाँ वो बॉस, वो जो लीडर है वो अप्रोचेबल है। अब बात आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर की, एक एम्प्लॉय की, कि आप कैसे अप्रोचेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अप्रोचेबल हो सकते हैं एज एन एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके काम पर फीडबैक कोई भी इंसान दे पाए और आप उस फीडबैक को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लें, एक पॉजिटिव वे में आप उस फीडबैक को लें, प्रोवाइडेड कि वो पॉजिटिव तरीके से किया भी गया हो, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि सभी लोग लीडर हैं तो सबको पॉजिटिविटी की तरफ ही ध्यान देना है। मान लीजिए एक फीडबैक उस एम्प्लॉय के पास में आएगा, हो सकता है कि बॉसेस की तरफ से भी हो सकता है किसी कलीग की तरफ से भी हो। मान लीजिए वो फीडबैक आया तो आप उस फीडबैक देने वाले को मना ना करें फीडबैक देने से, आप सुने जरूर उन्हें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हर एक फीडबैक में कुछ एक ऐसा पॉइंट हो जो आपको और आपके काम की प्रोडक्टिविटी को, आपके स्किल्स को एनहांस कर दे। यू नेवर नो आपको पॉजिटिविटी कहां से मिल जाए। तो आप अप्रोचेबल रहें, किसी भी तरीके के फीडबैक के लिए तैयार रहें, एंड एज अ लीडर आप ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करें, आप अपने सभी इंप्लॉयज से इंटरेक्शन रखें ऑन पर्सनल लेवल, ऑल्सो ऑन प्रोफेशनल लेवल, आप उनको मोटिवेट करते रहें। अब बात जो मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी हम कम्युनिकेशन के टॉपिक के ऊपर बोलना यहाँ पर अभी प्रिफर कर रहे हैं साथ ही साथ, क्योंकि मैं एक ओपन सेशन भी लूंगा राइट आफ्टर दिस फाइनल पॉइंट ऑफ माइन इज फिनिश्ड। बात आती है दैट अ गुड मैनेजर इज अ गुड कम्युनिकेटर, एंड आई वुड एक्सटेंड दिस इवन मोर, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो गुड मैनेजर होता है वो एक गुड कम्युनिकेटर भी होता है। तो मैं कहूंगा अ गुड पर्सन इज अ गुड कम्युनिकेटर, अ गुड लीडर इज अ गुड कम्युनिकेटर। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, और उसे उसकी एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि वो अपने आप को कम्युनिकेट कर सके, वो अपनी बात को जो उसके दिमाग में चल रही है, जो सोच रहा है, जो उसने प्रिपेयर की है, वो अच्छे तरीके से आगे समझा पाए, आगे बता पाए। मैं आपको एक कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं? दोज ऑफ यू हु आर मैरिड प्लीज शो ऑफ हैंड्स, अपना हाथ उठा दीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं? हाथ उठा के रखिए। मजाक की बात है, अनिता जी ने तुरंत हाथ नीचे कर लिया। अनिता जी कहती मैं बड़ी खुश हूं। सर दिस इज जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग एवरीवन, कि एक अच्छे रिलेशन में, चाहे वो बॉस और एम्प्लॉय का हो, चाहे हस्बैंड या वाइफ का हो, चाहे फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आई तो अकाउंट सेक्शन वाला जो यहाँ पर अभी महानुभाव है हमारे मुस्कुरा दिए इस बात पर। एनीवे गाइस, तो मैंने जैसा आपको बताया कि किसी भी तरीके का रिलेशन हो, हर रिलेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, खास करके मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा महेश जी से और रवि सर से, और इनफैक्ट आदित्य सर मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आई एम गोइंग टू अनम्यूट थ्री ऑफ यू फॉर दिस, एंड रवि सर इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो अनम्यूट योर सेल्फ। यस, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कम्युनिकेशन जो है वो कितना ज्यादा जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल टू शेप अप द थॉट प्रोसेस ऑफ एनी इंडिविजुअल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात आपने की। सर महेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू फील एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन कितनी ही सारा जो रोल है वो इसी का ही है, सब कुछ इसी से शुरू होता है, कम्युनिकेशन से ही शुरू होता है सब। बिल्कुल सही बात है सर, वेरी ट्रूली सेड। एंड मे आई ऑल्सो रिक्वेस्ट आदित्य सर, सर व्हाट डू यू फील एंड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन?
मुझे लगता है कि लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन के तारों से, और वही फिर आगे जाकर ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेता है, और अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी, और अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की भी स्ट्रेंथ को दर्शाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही सर, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और जितने लोग मौजूद हैं स्पेशली द लीडरशिप टीम, एक हाई परफॉर्मेंस टीम की अगर मैं बात करूं तो आपके हिसाब से एक हाई परफॉर्मेंस टीम के लिए किस चीज की जरूरत होती है? सर वन बाय वन प्लीज अपने पॉइंट्स अगर आप रखना चाहें। उसको भरोसा होना चाहिए अपने लीडर पर और अपने कार्य क्षेत्र पर। So, उसको भरोसा दिलाना है। करेक्ट, दिलाना चाहिए। बिल्कुल, एक ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर एक हाई परफॉर्मेंस टीम के लिए बहुत जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट आदित्य सर, प्लीज इफ यू वुड लाइक टू स्पीक ऑन द हाई परफॉर्मेंस टीम, आपके हिसाब से एक हाई परफॉर्मिंग टीम के लिए किस चीज की जरूरत काफी ज्यादा है? एक इस चीज का विश्वास कि अगर कोई बोल रहा है तो दूसरा उस इंसान उस सिर्फ उस समय उसको ही सुन रहा है और उसकी बात को पूरी तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल, दैट मींस इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है किसी भी हाई परफॉर्मिंग टीम के लिए। कम्युनिकेशन तो जरूरी है ही, पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं, आपने ये कहावत भी जरूर सुनी होगी, तकरीबन सभी ने सुनी होगी कि इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। तो अगर आपने सिर्फ इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, दैट मींस इट्स जस्ट कम्युनिकेशन। बट फॉर इट टू बी इफेक्टिव, जो आपने इधर से सुना वो आपने यहाँ प्रोसेस किया यहाँ से निकालने से पहले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज व्हाट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट, कि एक हाई परफॉर्मेंस टीम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करे एक दूसरे के साथ में, लीडर्स और एम्प्लॉयज या फिर सब टीम लीडर्स के बीच में, सब ग्रुप लीडर्स के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। सब ग्रुप लीडर्स एंड द ग्रुप मेंबर्स, दे मस्ट हैव अ गुड कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड एट द सेम टाइम जो लीडर है, जो टॉप लीडर है, उनका इंडिविजुअल के साथ में भी एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, और उस इंडिविजुअल का ओपन डोर पॉलिसी की वजह से जो लीडरशिप है उनके साथ भी कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट हाई परफॉर्मेंस टीम हैज यूजुअली। रवि सर का एक पॉइंट ऑफ व्यू रह गया, रवि सर इफ यू कुड वुड लाइक टू स्पीक ऑन हाई परफॉर्मिंग टीम। सर अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज, यू हैव अनम्यूटेड, यू हैव म्यूटेड फ्रॉम योर साइड। यस प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर आई वाज सेइंग कि हाई परफॉर्मेंस टीम जो होती है उसके लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाई परफॉर्मेंस टीम के अंदर होनी बनती हैं? High performance team should have first and foremost important thing is each and every member should feel himself truly dedicated with soul for the organization. If it is happening, everything, whatever he does, goes towards the right track. बिल्कुल सही बात सर आपने भी कही। Performance अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी होने के लिए सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं या जिस टीम के साथ जुड़े हैं उसके लिए हमें ओनरशिप फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ ये मेरी अपनी कंपनी है, मेरा समय यहाँ जा रहा है, तो इट मींस आई एम इन्वेस्टिंग माय लाइफ हियर। एब्सोल्युटली, एंड जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ट्रू और टोटली ऑनेस्ट होना चाहिए, प्योर 100% होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। So, एक वर्ड फ्रेज है, वो कहते हैं इन इट टू विन इट, कि अगर आप किसी चीज में हैं तो उसमें जीतने के लिए जाइए। इफ यू आर इन इट प्लीज बी इन इट टू विन इट। तो जो जीतने का जज्बा है, एक ओनरशिप का जो जज्बा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो रखिए, सेल्फ मोटिवेशन को फील कीजिए। नितेश यू हैव अ पॉइंट।
सो गौरव हम सब ये तो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाई परफॉर्मेंस टीम एक्चुअली में बनाई कैसे जाए और कैसे बन सकती है और किस तरीके से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझे. बट आई वुड लाइक टू एड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाई परफॉर्मेंस टीम के लिए जरूरी है, वो है ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग जो होती है और ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो टीम को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से टीम फील लैक, जो टीम जो होती है वो लैक फील करती है कि ये हमारी अपनी कंपनी नहीं है. अगर ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट ऐसा मिले, वो आपने कहावत सुनी होगी कि आप अपने एम्प्लॉयज को इतना ट्रेंड कर दीजिए कि अगर वो कंपनी छोड़ देता है एक बार ट्रेन होने के लिए तो कोई इश्यू नहीं है. बट सेम हैंड उसे ट्रीटमेंट ऐसा दीजिए कि वो आपकी कंपनी छोड़ ही ना पाए, राइट? तो कंपनी का जो रोल है वो ट्रीटमेंट में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं. ऑन द सेम हैंड एम्प्लॉय को अपनी 101% डेडिकेशन के साथ उस ट्रीटमेंट को एक बेटर प्रोडक्टिविटी में साबित करना चाहिए. रीजन, आज अगर हम किसी को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो वही हमें अपना 100% देगा. तो ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट, दीज आर द पैरेलल पिलर्स जो कि हमें एक दूसरे को देने चाहिए. कंपनी ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट देती है जिसकी वजह से हैं, तो ये हाई परफॉर्मेंस टीम इसी के थ्रू बनाई जा सकती है. बिल्कुल सही बात आपने कही नितेश. ऑन दी हाई परफॉर्मेंस टीम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस चीज पर देना चाहूंगा. आपने देखा होगा कि दो पिज्जा की फ्रेंचाइज हैं, देयर आर टू पिज्जा फ्रेंचाइज. इफ समबडी वुड लाइक टू नेम, प्लीज शो ऑफ हैंड्स, बताइए कौन सी दो इंडिया में बड़ी फेमस सी पिज्जा फ्रेंचाइज हैं. यस आदित्य सर, एक एक नाम बता दीजिए सर, मैं एक नाम किसी और से भी लूंगा. डोमिनोज. हाँ जी सर, दूसरा नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर. दूसरा नाम मैं ले लेता हूँ श्रुति जी से ले लेते हैं, चलिए. पिज्जा हट. करेक्ट. तो आपने देखा होगा करंट टाइम में ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑफ COVID-19 आपने देखा होगा कौन से दो इन दोनों में से आपको किसकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा दिख रही है या फिर किसकी एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है, आप बताइए प्लीज मुझे. एंड इट इज अ केस स्टडी, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प केस स्टडी ऑफ इट्स काइंड. डोमिनोज. डोमिनोज, बिल्कुल आपको डोमिनोज का दिख रहा होगा. एंड एट द सेम टाइम वॉट इज द नीड ऑफ द आवर, अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि लोगों की सेफ्टी, लोग कितने सेफ हैं, राइट? और सेफ्टी को फोरफ्रंट बना के रखते हुए डोमिनोज दे आर पुशिंग दिस पॉइंट फॉरवर्ड कि हमारे जो पिज्जा डिलीवर होते हैं दे आर डिलीवर्ड बाय आर ओन एम्प्लॉयज एंड वी आर कीपिंग अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एम्प्लॉय. वी आर गिविंग देम सम बुलेट पॉइंट्स as in how to fight against the COVID-19, how to make sure that you are not falling prey to coronavirus. So, उसमें क्या है, उन्होंने अपने points दिखाए कि इस तरीके से हम 20 minutes में hand wash करते हैं, we after each and every delivery we sanitize the box and the person who was there is wearing protective gear, mask and the gloves and we are taking all the precautions into making the pizza. तो आपने देखा कि यहां पर वो ट्रेनिंग जो दी उस ऑर्गेनाइजेशन ने, वो ट्रेनिंग की वजह से एक हाई परफॉर्मिंग बिजनेस, जैसा आप ही लोगों ने, मैंने नहीं बताया, ये आप ही लोगों ने बताया कि इस टाइम पे उन दोनों ब्रांड्स में से कौन से एक ब्रांड को आप ज्यादा देख रहे हैं, कौन से एक ब्रांड को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो आप लोगों ने खुद ने बताया मुझे यहाँ पर कि वो जो ट्रेनिंग मिली है उस ट्रेनिंग की वजह से उस हाई परफॉर्मिंग टीम में एक बूस्ट मिला है, लेकिन वर्क रिलेटेड हायरार्की को स्ट्रिक्टली फॉलो करना की जरूरत है. नितेश, ट्रेनर को मैं नहीं बोलूंगा, ट्रेनर के मुंह से कह रहा हूं. नितेश, आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन अभी बोल रहे हैं स्पीकर. इफ महेश सर ने थोड़ा एक वो दिया हमें. महेश सर इज ऑन म्यूट, जस्ट होल्ड ऑन. अच्छा, या नाउ ही इज या महेश सर. नहीं, वो रवि वर्मा जी ने दिया है. हाँ, रवि जी ने. अच्छा अच्छा अच्छा. तो जैसा कि हम डिस्कशन पे अभी लगे हुए थे एंड दैट इज कि जैसे सर ने कहा कि वर्क हायरार्की जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वर्क हायरार्की, गौरव, ये एक तरीके से हमें उस प्रोजेक्ट को, उस वर्क हायरार्की को भी फॉलो करना चाहिए. रीजन मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि एक ऑर्डर होता है
जैसे हम कम्युनिकेशन जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जब वर्क हायरार्की होता है, जिसको जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको ही वो वर्क करना चाहिए। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला था, नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले हम डिस्कस कर लेना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या है। एक डिपार्टमेंट है एडमिन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है एचआर, एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और अनदर जो भी मैनेजेरियल जो हमारे डिपार्टमेंट्स है। सो अगर सोचिए कि किसी भी एक डिपार्टमेंट का काम आपके पास आता है और वो डिपार्टमेंट उस काम को करने में सक्षम नहीं रहता। मान लीजिए आज मेरे पास अकाउंट्स का काम आता है और मैं अकाउंट्स नहीं जानता हूँ, तो हाउ कुड आई डू दैट, मैं उस तरीके उसको कर कैसे सकता हूँ। तो इसीलिए आपको ये बात बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखनी होगी कि पहले तो जिस अकाउंट्स या फिर एडमिन या एचआर या अनदर मैनेजेरियल जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर किसी का भी काम है तो वो खुद करें, दूसरे का काम दूसरों पे ना दे कि भाई मेरे पास ये काम किसी और से आया और मैंने किसी और को दे दिया, राइट। सो मैं डिस्कस यहीं पे करता हूं कि यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक आपने कहावत सुनी होगी कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो बुद्धू लागे। ये बहुत ही छोटी सी एक दोहा है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अभी मैंने रिसेंटली एक कंपनी से बात की थी तो उसने मेरे को कहा कि यार मेरे पास ना एक काम आया और ये मेरे एडमिन से मेरे पास आया, एडमिन से आया अकाउंट्स के पास। वो कहते जी आप ये वाली जो चीजें हैं वो सॉल्व कर दो। अकाउंट ने कहा कि हमें सर एडमिन के बारे में कुछ नहीं पता, आप लोग सारे छुट्टी पे हो तो हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो अकाउंट्स वालों ने कहा सर हमारे बस की नहीं है बिल्कुल, बट एक पुश था ऊपर से क्या नाम है फोर्स से कि उन्हें करना ही करना है, ये इस डिपार्टमेंट का काम आपको करना है। तो समहाउ वो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया जिसकी वजह से क्या नाम है वहां पर बहुत ज्यादा केओस इकट्ठा हो गया। तो बेटर यही रहता है कि जो एक हायरार्की है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का और किसी डिपार्टमेंट का, चाहे वो कोई भी काम हो, वो डिपार्टमेंट अपना काम खुद करे। इवन जितने एम्प्लॉयज भी हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं वो लोग ध्यान रखें कि अगर आपको भी आपका काम दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, वर्क अलॉट किया जाता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने काम को पूरा करें। रीजन, अगर वो काम आप पूरा नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी नहीं पता लगेगी कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। और मैं एक बात बता दूं आपको, इस लॉकडाउन के 50 डेज के अंदर मैनेजमेंट सभी लोगों की एफिशिएंसी को जज कर रही है, आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन इन 50 दिनों में आपकी वर्क एफिशिएंसी को मैनेजमेंट जज कर रही है। और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा ना, मैनेजमेंट खुद पता लगा लेगी किसने कितना काम किया है और वो काम क्या वो सटीक काम है, क्या वो सही काम है कि नहीं है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने वर्क को पूरा कीजिए, जिस डिपार्टमेंट के पास आया है उस डिपार्टमेंट में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। रिमेम्बर जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी चीजें आई हैं, उसको इमीडिएटली सॉल्व करना ही आपका फर्ज बनता है। और जिस डिपार्टमेंट में आई है उस डिपार्टमेंट में ही उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिए, देखिए लीडर का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, लीडर का काम होता है सबसे सुपरविजन रखना, हर चीज को देखना। लीडर एक किसी चीज को नहीं देख सकता, या फिर आप अगर अकाउंट्स के हैं, एडमिन के हैं, या कहीं भी किसी भी एक डिपार्टमेंट में, तो आप पूरा एक ऑफिस नहीं देख सकते। बट ये बात आप ध्यान रखें कि जब लीडर आपको सुपरविजन कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि मैंने ये टास्क इसे अलॉट किया था, ये अपने सब ऑर्डिनेट से जाके कंप्लीट करवाएगा और मुझे सबमिट करेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और जो भी अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो इमीडिएट अगर होती है तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छे तरीके से देता हूं। अगर एक नाव में, एक नाव के अंदर छेद हो जाए और आप उसे कंटिन्यूसली चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें, तो ध्यान रखिएगा कि क्या नाम है वो डूब सकती है। लेकिन ऑन द सेम हैंड अगर उनमें से किसी को पता है कि लकड़ी का टुकड़ा किस तरीके से जोड़ा जाता है, ये सिर्फ उसको पता होगी जिसने लकड़ी के साथ काम किया है या लकड़हारा है, या फिर उसे पता है कि यहाँ पे किस तरीके से किसी चीज को चिपकाया जा सकता है या किस तरीके से किसी चीज को फिक्स करा जा सकता है कि ये डूबे ना। तो वो चीज आपको पता होगी, जिस डिपार्टमेंट में आप लोग हैं उस डिपार्टमेंट में आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप सही टाइम पे सही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं
और किस तरीके से आप डिपार्टमेंट का काम डिपार्टमेंट में ही रहने दें। अगर डिपार्टमेंट का काम उड़ के बाहर चला जाता है तो वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है और गौरव आई वुड लाइक टू कंटिन्यू क्योंकि बहुत पॉइंट है जो कि अभी छूट गए थे, मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं बता दूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि पावर जो होती है ना, देखिए हर इंसान के अंदर एक पावर है, उस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ऐसा नहीं कि लीडर के ऊपर ही सिर्फ पावर है सारी, लीडर के पास ही सिर्फ सारी पावर है। बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ मैनेजरियल लेवल और बीइंग अ एडमिन एचआर व्होमसोएवर, जो भी कोई हो, उनके सबके पास एक पावर है। उस पावर को यूटिलाइज कीजिए, उस पावर की अहमियत को जानिए। अगर आप उस पावर को नहीं जानेंगे तो आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट की बात कर रहे थे हम, कंपनी को अपना मान रहे थे, लेकिन अभी घर में चार लोग हैं, एक सफाई करता है, एक बर्तन धोता है, क्या नाम है, एक खाना बनाता है और एक कमा के लाता है। अगर कमाने वाला आज अगर बर्तन धोना स्टार्ट कर दे और बर्तन धोने वाला आज कमाना स्टार्ट कर दे, तो क्या आपको लगता है कि वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? दोनों नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावर ब्रिंग्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो आपके पास वो पावर है कि आप उस डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे से अच्छे अपने आप को रिप्रेजेंट करके दिखाएं। आप अपने लीडर की सोच को समझिए, आप अपने मैनेजर्स की सोच को समझिए, आप अपने डिपार्टमेंट की सोच को समझिए और उसे पूरा करना डेडलाइन पे, मैं मानता हूं कि आपका फर्ज बनता है। अब इसके बाद अगर आप उस चीज से कमिटेड हैं तो आपको कंपनी डेफिनेटली प्रेज करेगी, आपको डेफिनेटली मोटिवेट करेगी, आपको डेफिनेटली आपकी हर चीज में साथ देगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये चीज का आप कुछ नहीं सोचते हैं, आप सोचते हैं कि बस मुझे आना है, 6 घंटे बिताने हैं और मुझे जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित होगी। ऑर्गेनाइजेशन कौन रन करता है? लीडर कभी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं करता है, मेरी बात आप सभी ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन रन करता है? ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉय रन करता है। लीडर का काम सिर्फ सुपरविजन का होता है, ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा। लीडर का काम सिर्फ सुपरविजन का होता है। लीडर कैन गाइड ओनली, आपको लीडर सिर्फ गाइड कर सकता है। लीडर कैन ओनली गिव यू अ डायरेक्शन, लीडर गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, सुपरविजन कर सकता है, बट लीडर सिर्फ लीडर ही कंपनी नहीं चला सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टॉप मैनेजमेंट पे बैठा हुआ वो सिर्फ सुपरविजन कर सकता है, लेकिन कंपनी रन अगर कोई करता है तो वो एक ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय रन करता है। अगर आप लोग ना हो तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है आपका। और एक बात जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये मेरे नोटिस में इतनी ऑर्गेनाइजेशन, महेश जी और रवि जी, ये हमारे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के सेशन कंडक्ट करने के बाद एक रिसर्च सामने आई है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जितने होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, ये जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, ये फैमिली की तरह तो होते हैं, बट ये उसी फैमिली के एक मेंबर की तरह भी होते हैं, जिसमें जैसे कई कई, जैसे हमारे, मेरे अपने घर में भी मेरे भाई और मतलब और भी लोग हैं जो सुस्त बैठ जाते हैं, जिन्हें नहीं पता होता एक्चुअली में कि हम उस वक्त क्या करें। बट अगर वो किसी दिन, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर कोई ना काम करने वाला एक दिन झाड़ू उठा के घर में सफाई करने लग जाए ना, आप चौंक जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 101% देना है। सिर्फ आना, 6 घंटे बिताना, और मैं मानता हूं कि आप सब अपनी बहुत परफेक्टली जॉब कर रहे हैं, लेकिन ऑन द सेम हैंड मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कोई डिफिकल्टी है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको आप अपने मैनेजर से, उसको आप अपने लीडर से, उसको आप अपने टॉप लीडर्स, जितने भी जो भी मेंबर्स है जिनसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, उनसे करवाइए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, एक सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द मार्केट, मार्केट की आप नीड को समझिए। दिस इज कोरिलेटेड टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ योर लीडर, आपके लीडर की नीड्स आप समझिए। देखिए, मील का पत्थर आप कब साबित हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप सबसे ज्यादा एफिशिएंट कब साबित होंगे, जब आप अपनी कंपनी की नीड्स को समझेंगे।
अगर आपने एक बार अपनी कंपनी की नीड को समझ लिया कि मेरी कंपनी को मेरी इस तरफ जरूरत है, गाड़ी है, गाड़ी जब चलती है ना बिना स्टेयरिंग के चल जाती है, नहीं चलती, बिना पहियों के चल जाती है, नहीं चलती, अगर गाड़ी के अंदर शीशा, अगर आगे का फ्रंट जो क्या नाम है जो विंडशील्ड होती है अगर वो भी ना हो ना तो आप तब भी गाड़ी नहीं चला सकते, गियर हो अगर गियर ना हो तो भी गाड़ी नहीं चला सकते। तो ध्यान रखिएगा एक गाड़ी को चलाने के लिए बहुत सारे औजारों की जरूरत पड़ती है, तब जाके एक गाड़ी चलती है। तो इसी तरीके से जितने भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, जितने भी 25-30 जितने भी मेंबर्स हैं, 22-25-30 वो लोग ये ध्यान रखें कि हमें ये ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ फैमिली, ये हमारी एक फैमिली है। अगर हम आज अपनी फैमिली में अपने इमोशंस, अपना विल, अपना सामर्थ्य हम अपना नहीं कुछ देंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आज क्या नाम है कि कोई चैलेंजेस से जूझ रही है तो ही हम यहाँ पर हैं, नहीं, ये इसलिए है ताकि आप आने वाले समय में इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों को समझ सके। अगर आज ये आप बात समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि लीडर, टॉप लीडर जो है ना वो आप पे ट्रस्ट करना जरूर सीख जाएगा। ऑब्वियसली आप पे सभी ट्रस्ट करते हैं तभी आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि अगर ट्रस्ट ना हो तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की है, ताकाहाती। ताकाहाती इज अ कंपनी ऑफ जापान। सर इस कंपनी के अंदर महेश जी ये जो कंपनी है ये कंपनी ने एक पॉलिसी बना रखी है बहुत अच्छी। इस कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, इस कंपनी में लगभग 2500 एम्प्लॉयज हैं ताकाहाती में, ये जापान की कंपनी है। इस कंपनी के अंदर बहुत ही एक सिंपल सा रूल है, ये कंपनी वाले कहते हैं कि जी हमारे बॉस को हमारे पे बहुत ट्रस्ट है और हमें अपने बॉस पे बहुत ट्रस्ट है, तो हमने अपने बॉस से डील करके एक चीज साइन कराई है कि हम 10 महीने काम करेंगे लगातार बिना छुट्टी के, 10 महीने लगातार काम करेंगे बिना छुट्टी के, बिना किसी परेशानी के, मतलब जब तक कोई बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी नहीं आ जाती है तब तक क्या नाम है हम इसमें काम करेंगे। 10 महीने वो लगातार काम करते हैं, इतना लगातार कि वो क्या नाम है सिर्फ और सिर्फ संडे ऑफ लेते हैं और कोई छुट्टी नहीं, अंटिल कोई क्या नाम है सिर्फ गजेटेड हॉलीडे ना हो, 10 घंटे ऊपर से 10 घंटे 10 महीने वो जॉब करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे वो सिर्फ दो, जब पूरे घड़ी ऐसे घूम जाती है ना हमारी तब तक वो लगे रहते हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे फिर जब 10 महीने वो पूरे काम कर लेते हैं उसके बाद जाके वो 2 महीने की छुट्टी लेते हैं। उन्होंने इतनी डेडिकेशन दिखा दी अपनी, इतनी डेडिकेशन दिखा दी, वो कहते हैं कि हम इस कंपनी को बाय हुक बाय क्रूक ऊपर लेके जाएंगे, और वो वाकई में लेके गए। जो कंपनी सिर्फ 100 करोड़ का टर्नओवर लेके बैठी थी आज वो 4.5 लाख करोड़ का टर्नओवर लेके बैठी हुई है। ये कंपनी की मैं बता रहा हूं आपको कि ये इतनी ज्यादा डेडिकेशन थी एम्प्लॉयज की कि उन्होंने कहा कि हमें अपने बॉस को साबित करके दिखाना है, हमें अपने लीडर को साबित करके दिखाना है। सो ये जो ट्रस्ट है इसको आप ऐसे बांध के रखिए, अगर आप तोड़ेंगे तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं खराब होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप आपका जो काम होता है उस काम को कीजिए, जिस डिपार्टमेंट में काम आता है उस डिपार्टमेंट के काम को फॉलो कीजिए, आपका अगर एडमिन का है एडमिन को फॉलो कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर जो व्यक्ति काम सबसे पहले कर लेगा, जो काम सबसे पहले चीजों को निपटा लेगा वही कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सर मैं, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ये है कि रिमेंबर योर ओल्ड क्लाइंट एंड अंडरस्टैंड द मार्केट नीड। एक बात आपको बताता हूं, पहले अंडरस्टैंडिंग द मार्केट नीड। लीडर का काम होता है कि सिर्फ सुपरविजन करना, आपको गाइड करना, कंपनी को में देखना कि कहां प्रॉब्लम आ रही है। क्लाइंट भी लीडर ला सकते हैं बट मार्केट को कौन जज करता है? मार्केट को जितने हम एम्प्लॉयज हैं, जितने फैमिली एम्प्लॉयज इज लाइक अ फैमिली, वो फैमिली मेंबर्स जज करते हैं। हम मार्केट में भी जाते हैं, सेल्स वाले लोग भी मार्केट में जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट से बहुत ज्यादा रूबरू होते हैं, वो नीड को समझते हैं मार्केट की। अगर वो मार्केट की नीड को ना समझे तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कंपनी से कोई बात छुपा रहे हैं।
बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, एक टेंडर था 1.5 करोड़ रुपए का एक टेंडर था, वो टेंडर मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करना चाहता, आई एम सो सॉरी, बट एक कंपनी ने उसको 2 करोड़ का टेंडर भर के दिया और एक ही उसी कंपनी ने 1.5 करोड़ का टेंडर भर के दिया। दोनों में बस डिसिमिलैरिटीज इतनी सी थी कि एक ने मार्केट के अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए, मार्केट की वैल्यू को समझते हुए, मार्केट की नीड को समझते हुए वो टेंडर भरा 1.5 करोड़ के अंदर, एक उसी दूसरी कंपनी ने 2 करोड़ के अंदर भरा क्योंकि वो कंपनी चार्ज ही उतना करती थी। तो दोनों में से किसके पास सबसे ज्यादा टेंडर आएगा? 1.5 करोड़ रुपए वाली के पास। रीजन, उन्होंने मार्केट की नीड को अंडरस्टैंड करा, उन्होंने मार्केट को समझा। ये मार्केट की नीड किसने किसको बताई? सर बहुत आपको मतलब इतना बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इससे बेस्ट एग्जाम्पल था ही नहीं। ये मार्केट की नीड एक छोटे से एम्प्लॉय ने अपने लीडर को जाके बताई कि सर ये 2 करोड़ रुपए का आप भर रहे हैं और जबकि इसकी वैल्यू 50 लाख रुपए कम है। उस एक छोटे से एम्प्लॉय की इतनी बड़ी वैल्यू हो गई कि आज वो एम्प्लॉय वाकई में उनका बेस्ट एम्प्लॉय बना पड़ा है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कितने मील के पत्थर साबित हो सकते हो, कितने एफिशिएंट साबित हो सकते हो, कितने ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकते हो, ये आपको समझना है। ट्रस्ट आप किस तरीके से करवा सकते हो, कमिटेड आप कितने अच्छे तरीके से हो सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और बिजनेस के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैजिक वर्ड है, मैजिक, जादू। ये जादू होता कैसे है? ये बहुत सिंपल सी चार चीजें हैं सर, आई एम सॉरी, पांच चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सी पांच चीजें हैं। ये मैजिक ना बहुत ही, जिसे कहते हैं अपने आप में वंडरफुल, जिसे कहते हैं ना अपने आप में बहुत ही एक अलग चीज है, जैसे जादू होता है ना वाकई में, वही तरीके का जादू है। M स्टैंड फॉर मीनिंग। मीनिंग आप लिखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको शायद दोबारा मिले या ना मिले आपके ऊपर है। M स्टैंड फॉर मीनिंग, फाइंडिंग द पर्पस इन द वर्क यू परफॉर्म। आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी के अंदर बैठे हैं तो आपका पर्पस क्या है, आपको कंपनी को ऊपर पहुंचाना है कि नहीं, और नहीं है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर है तो डटे रहिए और इतना डटे रहिए कि क्या नाम है, जैसे अर्जुन और कर्ण आपस में लड़ते लड़ते डटे रहते जब तक वो मर नहीं गया। बस मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा गलत, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इतना डटे रहिए कि आपकी विल पावर कहे कि बस अब तो लगे ही रहना है। तो फाइंडिंग द मीनिंग, जो मीनिंग है आपका पर्पस पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। दिस इज M स्टैंड्स फॉर इन मैजिक। इफ आई टॉक अबाउट ऑटोनॉमी, सो ऑटोनॉमी में सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए किसी भी काम को करने में? किसी भी काम को करने में चाहिए फ्रीडम। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज को कर सकते हैं तो उसकी फ्रीडम आप अपने लीडर से जाके लीजिए, आप अपने मैनेजर से जाके लीजिए, आप अपने क्या नाम है जो भी हेड है आपके, आप उनसे जाके लीजिए। ऑटोनॉमी में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास फ्रीडम होती है अपना बेस्ट करने की। अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आपको बेस्ट करने की फ्रीडम होती है। दिस इज A स्टैंड फॉर इन मैजिक, MA। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज G, जी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ एक ऐसा एक वर्ड है, ग्रोथ एक ऐसा यू कैन से कि एक तरीके का वर्ड है जो कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जब तक आप चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे, जब तक आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी लाइफ में, ग्रोथ नहीं हो सकती। सॉरी टू से बट लेकिन दिस इज अ वेरी हार्श वर्ड, बहुत हार्श वर्ड है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं हो सकती। चैलेंजेस नहीं होंगे आपके पास, क्या नाम है, आपके जो डिफिकल्टीज नहीं लाने देंगे, अपने आप पे चैलेंजेस नहीं आने देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक पेड़ को आप घर पे लगाइए, एक पेड़ को आप बाहर लगाइए जहां पे पार्क है। ये दोनों पेड़ में से आपको क्या लगता है कि कौन सबसे जल्दी उगेगा? मैं बताता हूँ आपको कौन सबसे जल्दी उगेगा, जो बाहर पेड़ लगाया, क्योंकि उसके पास चैलेंजेस इतने हैं, उसके पास इतनी तेज हवा, तेज धूप, ठीक है, ऊपर से बारिश, ऊपर से तूफान, लेकिन वो चैलेंजेस में डटा पड़ा है,
उस डटे रहने को ही हम ग्रोथ कहते हैं। अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर ये पॉइंट आप लिख के इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपको एक साल बाद, आप अगर ये सेम चीज इम्प्लीमेंट करेंगे एक साल बाद आप ग्रोथ देखना अपनी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एम ए जी हो चुका है, इट्स आई, आई फॉर इम्पैक्ट, किसी भी चीज का इम्पैक्ट होना, मेकिंग डिफरेंस एंड गेटिंग थिंग्स डन, किसी भी चीज के अंदर एक अच्छा खासा डिफरेंस बना के उसे कंप्लीट करना, उसका इम्पैक्ट छोड़ना कि यार आज इस एम्प्लॉय ने 1 करोड़ की डील साइन करा दी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 1.5 करोड़ की डील साइन करा दी, उसको देखते हुए लोगों का विश्वास ऐसा बढ़ गया कि हर एम्प्लॉय सोचने लगा मैं भी 1.5 करोड़ का टेंडर पास कराऊंगा, मैं भी 2 करोड़ का टेंडर पास कराऊंगा। अगर हर एम्प्लॉय 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का टेंडर पास कराता रहेगा तो कंपनी का क्या लेवल बन जाएगा, आप ये सोचिए। ये इम्पैक्ट इतना जरूरी है जैसे आप रोज खाना खाते हैं, खाने की जरूरत होती है, उसी तरीके से इम्पैक्ट, अगर आप पे किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा काम नहीं कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को बताता हूं, एंड द लास्ट थिंग इज जो कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ी है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, देखो मैं आपको सभी को एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूँ, बीइंग अ लीडर, कोई भी अगर एक लीडर होगा वो आपके पास हर बार कम्युनिकेट करने नहीं आ सकता, बट बीइंग एन एम्प्लॉय, बीइंग अ मैनेजमेंट, आप हर बार अपने लीडर के पास जा सकते हैं, हर बार उनसे बात कर सकते हैं, हर बार उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, हर बार उनसे चीजों की अहमियत पूछ सकते हैं। ये अगर आप समझ गए जिस दिन कम्युनिकेशन का सी, तो आपको बता दूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी, लोग उससे इंस्पिरेशन लेंगे, लोग इंस्पिरेशन लेंगे महेश जी से, श्याम जी से, रवि जी से, और भी सभी लोगों से, क्या नाम है, इंस्पिरेशन लेंगे। और कहीं किसी दिन ऐसा हो रहा होगा कि क्या नाम है, आप कहेंगे सर मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, मैंने अपनी चीजें खत्म कर दी है, मेरा सारा टास्क पूरा हो चुका है, मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते की छुट्टी पे, अगर कोई काम है आप मुझे बताइएगा, बातें तो आपने अपना काम पूरा कर दिया, आप जाइए, अगर हमें काम होगा तो डेफिनेटली क्या नाम हम आपको वहीं पे कॉल करके बता देंगे, आप काम कर दीजिएगा। एक एम्प्लॉय, अच्छे एम्प्लॉय की निशानी यही होती है कि आप टाइम पे काम निपटा दें, अगर आपने टाइम पे काम निपटा दिया तो वो आप अपने आप के लिए बहुत बड़े हीरो साबित हो सकते हैं। राइट माइंडसेट बहुत जरूरी है इसके लिए, आपका अगर माइंड सही नहीं है ना, अगर माइंड बिल्कुल सही नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि माइंड क्यों सही नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इतने सारे एग्जांपल दिए कि शुरू में कि भाई हम घर से लड़के जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने अपने ना मन को नहीं संभाल रखा, द विल पावर वी हैव हम उसे नहीं संभाल पाते हैं कि यार आज ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं तो सारा दिन परेशान हो गया हूं, और वो परेशानी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। अगर आप उस परेशानी से सीख लेना, अगर वो सीख लेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इफ आई एम ऑडिबल टू यू, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो एक बार रेज योर हैंड प्लीज, राइट। सो मैं ये बता रहा था कि इम्पैक्ट बहुत होना जरूरी है, इम्पैक्ट अगर नहीं होगा लाइफ में तो आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे, फिर दोबारा आप रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, जो मैंने आपके लिए लिखा था सभी के लिए, डिस्कवर द वे यू कैन हेल्प मेक योर कंपनी बेटर, ऐसे जरिए खोजिए जिससे आपकी कंपनी जो है और अच्छा बन सके, और अच्छे से काम कर सके, और अच्छे से मार्केट में स्टैंड हो सके। अगर आप ऐसे जरिए खोज सकते हैं तो ये मुझे लगता है कि कोई भी आपको नहीं रोक सकता। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस बात से मानते हैं कि अगर आप ऐसे जरिए खोज लेंगे, अगर ऐसे जरिए आप निकाल लेंगे कि जिससे कंपनी बहुत अच्छे से बन सकती है, रतन टाटा इज वन ऑफ दैट पर्सन जो हर एक एम्प्लॉय, हर एक टाटा ऑर्गेनाइजेशन के बंदे का बेहद ही ज्यादा ख्याल रखते थे, जिन्होंने अपने अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनके लिए उनके इंश्योरेंस कराया, उनके हर एक एम्प्लॉय के लिए उनको उनके खाने की सुविधा दी, जो दूर से आते थे उनको उनके ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन दिया। इसी तरीके से एम्प्लॉय ने भी अपना 101% उन्हें देने की ठानी कि भाई हम तो देंगे ही देंगे,
और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करने वाली चीज होती है वो यही होती है कि एक एम्प्लॉय को दृढ़ निश्चय, अपना दृढ़ निश्चय से, अपने मोटिवेशन से और अपने एक कहते हैं ना करंट, करंट जिसमें होता है, मैं मानता हूं कि हर इंसान के अंदर करंट है, बट हम लोग सुस्त बैठ जाते हैं कि यार क्या करे, बराबर वाला भी काम नहीं कर रहा तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, मैं तो बैठ जाता हूँ अपने आराम से। बट इतना करंट रखिए, इतना करंट रखिए, इतना करंट रखिए, मैं आपको बता दूं कि आपसे पांच जने चार्ज हो जाएं, आप हवा में करंट फैला दो, आप ऐसे बन जाओ। आप अगर एक एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो तुम उससे कहो कि बैठ के चल तू मेरे साथ काम कर, मैं करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वही गौरव ने जैसे बोला कि एक इधर से आना और एक इधर से आना, अगर दोनों फ्लेक्सिबल नहीं होंगे आने और जाने में तो कहीं ना कहीं चीजें रुक जाएंगी। मोस्ट लोगों को यह भी लग रहा होगा कि शायद मैं ज्ञान ज्यादा झाड़ रहा हूँ या अलग सी बात कर रहा हूँ, बट ये ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले स्टेप हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे अच्छा बनाने के लिए। महेश जी, आप अगर इस पे कोई थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहें तो सर प्लीज। सर माइक आपका म्यूट है। गौरव हाँ, okay, आप कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था कि करंट आपके अंदर होना चाहिए और ये सारी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं आपको बता दूं कि ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट आप पे कब आता है, बॉस का ट्रस्ट कब आता है, आपको किसी का विश्वास जीतना होता है तो आप क्या करते हैं, आपको किसी का विश्वास जीतना होता है तो आप सबसे पहले उसके लिए वो चीज करते हैं जो आपको पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन उसको पसंद हो। आप सबसे पहले वो काम करते हैं जो कि सामने वाले को पसंद हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने मन मर्जी के मुताबिक ना जाके किसी और के हिसाब से काम करें, उसका काम अपने हिसाब से इतना बेस्ट कर दीजिए वो भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि जब सांप भी ना मरे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप बोर फील करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर फील करते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ध्यान रखिए कि वो बोर क्यों फील करते हैं। आपके पास या तो काम नहीं होता है या आप काम छोड़ना चाहते हैं कि भाई मैं ये काम ठीक है कोई और कर लेगा, देखी जाएगी, मेरे तो बस की है नहीं ये काम और मैं तो छोड़ देता हूँ। पर ध्यान रखिएगा इस काम को छोड़ने की सजा भी मिलती है। चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया बात कही है महेश जी, चाणक्य ने बात कही है कि साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद। साम किसी भी चीज को समानता के तरीके से देखें कि क्या कोई भी कार्य समान देखें, किसी भी कार्य को समान तरीके से देखें, पैरेलली अपने बराबर तरीके से देखें, आप ही के लिए वो काम बना है अगर आपके पास आया है तो। अगर वो आपकी नॉलेज के जितना काम है, आपके क्या नाम है माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो काम सही है तो साम इज वन ऑफ दैट थिंग। दाम किसी भी कार्य को, काम को करने का एक दाम होता है जो कंपनी आपके लिए दे रही है, आपके लिए चुका रही है, साम दाम। अब आता है दंड, अगर कुछ भी आप गलत करते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो दंड उसकी एक शैली है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो दंड भी आपको भुगतना पड़ेगा। और भेद, भेद इज बाय हुक बाय क्रुक, यानी कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके आप उस कार्य को कीजिए। ये आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। मैं एक आपको बताता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और पुराने राजाओं का महल कैसे सेम होता था। आपकी ऑर्गेनाइजेशन और पुराने राजाओं का महल ऐसे सेम होता था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडर होता है और महल के अंदर एक राजा होता है, दोनों एक ही समान होते हैं। उनकी प्रजा कौन होती है, उनकी प्रजा उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। राजा की प्रजा, राजा की प्रजा होती है और लीडर के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर उनकी प्रजा होती है। अगर प्रजा के लिए राजा ना सोचे और राजा के लिए प्रजा ना सोचे, लीडर के लिए एम्प्लॉय ना सोचे और एम्प्लॉय के लिए लीडर ना सोचे, तो क्या लगता है कि राजा बैठ पाएगा?
बिल्कुल सही बात है। एक चेस के राजा को बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, एक चेस के राजा को बचाने के लिए 100 उसके प्यादे, घोड़े, हाथी खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हेड है। वो कश्मीर की तरह है, अगर वो चला गया तो ध्यान रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। बट सेम हैंड राजा को भी समझ के चलना पड़ेगा कि वो लोगों के साथ ना इंसाफी ना होने दे, लोगों के साथ गलत ना होने दे। जो इंसान सही है वो सही के लायक हो, जो इंसान गलत है वो गलत के लायक हो, जो इंसान डांट के लायक हो डांट के हो, और डांट सिर्फ कोने में ले जाती है। ये बात बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट का ही काम करने दे, किसी और डिपार्टमेंट पर दबाव ना डालें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम इसी का नाम है कि अगर हम फ्रीडम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीडम मिली हुई है तो आपको आपके डिपार्टमेंट के अंदर मिली हुई है, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट के अंदर आपकी फ्रीडम मिली हुई है। आप उसके अंदर कितना अच्छा बन सकते हैं वो आपके ऊपर है। एचआर आपके डिपार्टमेंट का अगर कोई एचआर है और उसके अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं तो आप कितना प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं कि आप कल को एचआर बन के बैठ जाए, ये आपके ऊपर है। आप अगर एडमिन में हैं तो एडमिन हेड बन के बैठ जाए, वो आपके ऊपर है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बिफोर वी कंक्लूड, मैं चाहूंगा कि अगर किसी के क्वेश्चन है सो प्लीज आप लोग आगे आइए, आप अपने क्वेश्चन को बताइए, फिर हम जनरल डिस्कशन में ले सकते हैं उन्हें। सो प्लीज ओवर टू यू महेश जी, रवि जी, श्याम जी, श्रुति जी, जितने भी लोग हैं प्लीज। आई हैव अ क्वेश्चन नितेश साहब। जी जी, नॉट अ क्वेश्चन, इट्स द जस्ट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट 99% ऑफ आवर एम्प्लॉइज आर वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, but the pulse where we are panicked with the increasing in responsibility, errors are increasing, which is affecting our organization. Main isko fir se hindi mein kehna chahunga ki hamari organization mein 99.9% employees bahut mehnati hain aur mehnat ke sath kaam karte hain, pura samay bhi dete hain, hum log bahut fortunate hain, lekin jaise jaise zimmedariyan badh rahi hain error proportionately bahut badh raha hai। वो एरर एरर है, मिसिंग्स हैं, उसके बारे में आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस क्या बोलता है, हाउ टू रिजॉल्व दिस इश्यू? मैं बताता हूँ सर, इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक कंपनी के कुछ 725 मेंबर्स थे जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अब हमारे ये जो मेंबर्स हैं कुछ 1800 के आसपास हो जाएंगे और हमारे रिसोर्सेस, कंप्लायंसेस, सब चीजें बढ़ने वाली हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे लिए टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो सर मैंने उनको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है ना, उन्हें नेग्लेक्ट करने की जगह हम उनको डिवाइड कर दें। हम उनके लिए, अब जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर हम एक लीडर है बट उनके भी सब लीडर्स बनाए जा सकते हैं, उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है उस अकॉर्डिंग कि आपका पार्ट ये रहेगा, आपका पार्ट ये रहेगा, एंड लीडर शुड ओनली टू जस्ट कि आप देख सके कि लीडर की सुपरविजन होनी चाहिए उस चीज के अंदर। अगर वो वही काम लीडर करने लग जाए सारा, अगर वो काम, एक काम 200 लोगों का लीडर करने लग जाए तो लीडर कब तक करता रहेगा? तो आपके कहने लीडर का मतलब तो बेचारा पागल हो जाएगा। आपके कहने का मतलब नितेश साहब ये है कि हमें अपना सुपरविजन लेवल और स्ट्रॉन्ग और इस इंट्रिंसिक बनाना पड़ेगा। राइट राइट एग्जैक्टली। अगर आपका सुपरविजन जिस दिन बढ़ गया तो मुझे लगता है कि लीडर जो है हमारे वो तो सर दुबई में बैठ के कोका कोला पी रहे होंगे फिर। कि क्या नाम है यार, हमारी कंपनी में बहुत अच्छे से संभाल रखा है सब लोगों ने, क्या नाम है, वी आर लाइक वेल मेंटेन नाउ, और अब आराम से हम चिंताग्रस्त होके अपने बैठ सकते हैं कहीं भी। अगर ये चैलेंजेस अगर एक ही बंदे पे आ जाए सारे या एक ही डिपार्टमेंट पे आ जाए तो वो चैलेंजेस जो है ना वो आपके लिए ट्रबल बन जाएंगे सर। ओवर टू यू नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एनीबडी। महेश भाई साहब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है,
क्वेश्चन तो अभी कोई नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा श्याम जी, नीतीश जी ने जो आपका श्याम जी आपका माइक ऑफ है सर गौरव इफ यू कैन अनम्यूट द माइक ऑफ श्याम जी जस्ट होल्ड ऑन आई थिंक श्याम जी ने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है आई गेस नहीं नहीं श्याम जी का वीडियो आ रहा है बट माइक ऑफ है एक एक डिस्कस और भी करना है डिस्कशन एक पॉइंट पे नितेश साहब और गौरव साहब जी सर विद आवर पास्ट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज व्हाट वुड यू रिकमेंड वर्टिकल हायरार्की और हॉरिजॉन्टल हायरार्की सर एक बार इसे मैं चाहूंगा कि ऑडियंस के लिए हम हिंदी में भी करें तो बेटर रहेगा आपके हिसाब से आपका जो मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है जितने समय का आपको क्या लगता है कि एक होती है वर्टिकल ऊपर से नीचे को आने वाली हायरार्की एक होती है हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट से लेके डाउनलाइन तक कौन सी हायरार्की ज्यादा सक्सेसफुल है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो आपका बोलता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक सिस्टम है एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है एक हायरार्की है फॉर एन एग्जांपल जैसा आपने बताया कि एक टॉप लीडर है टॉप लीडर के बाद में मैनेजमेंट आती है मैनेजमेंट के बाद में आपकी लोअर मैनेजमेंट आती है एंड देन रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज एंड देन सर्विस एंड द अदर स्टाफ तो एक ये जो मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं ये हमारे देश में बहुत पुराने टाइम से फॉलो होते हुए आ रहा है और अगर सर सिंस यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन योरसेल्फ अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में तकरीबन 95% से ज्यादा कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जो वर्टिकल हायरार्की को ही फॉलो कर रही हैं अगर वहाँ कहीं किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में या किसी पर्टिकुलर अगर आप कहें सेक्शन में अगर हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं जैसे अगर आप अभी देखें जो हॉरिजॉन्टल हायरार्की के जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे नए स्टार्टअप्स क्योंकि नए स्टार्टअप में क्या है एंड स्पेशली इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग जैसे ही लोग बढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वर्टिकली उस हायरार्की को अरेंज करने की जरूरत पड़ जाती है बिकॉज एक एस्केलेशन मैट्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए राइट आप चाहेंगे कि जो एक एम्प्लॉय है सबसे पहले वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करे मैनेजर के बाद में जो सीनियर मैनेजर है वहां तक रिपोर्टिंग हो सीनियर मैनेजर के बाद में जो एक जो टॉप मैनेजमेंट लेवल है वहां तक रिपोर्टिंग जाए उसके बाद में जो आपके टॉप लीडर्स हैं उसके बाद में डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां तक बात जाए तो जनरली जो बड़ी कंपनीज हैं वो यही रूल फॉलो कर रही हैं और जितनी छोटी कंपनीज हैं स्टार्टअप्स हैं या नए बिजनेस जो भी इंडिया में अभी आ रहे हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल को जैसे कि जितने स्टार्टअप्स और अगर आप बात करें कुछ कंपनी कल्चर्स की और हमारे देश में खास करके ये हुआ है कि जब हम लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि जो गूगल है अल्फाबेट जो कंपनी है वो एक इस तरीके की हायरार्की ऐसा बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही है जहाँ पे जो एम्प्लॉय है एम्प्लॉय इज नॉट बाउंड टू डू दोज थिंग्स पर वो सारी चीजें इंडिया में आने में अभी टाइम है और वो लोअर लेवल से स्टार्ट हो बाय लोअर लेवल आई मीन कि जो कंपनीज कम एम्प्लॉयज वाली हैं सबसे पहले वहां से स्टार्ट होगा और कम एम्प्लॉयज वाली कंपनीज के बेस्ट एग्जांपल हैं स्टार्टअप्स और ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स कि वो अपनी फ्रीडम के साथ में काम कर सकते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेरे से बहुत एग्री करेंगे आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं या आपने पोस्टर्स अगर देखे हो तो इधर एक पार्ट लगा होता है जिसमें MNC लिखा हुआ होता है इधर एक पार्ट लगा हुआ होता है जिसमें स्टार्टअप लिखा हुआ होता है आपने देखा होगा स्टार्टअप के अंदर की फोटो में कुछ लोग हैं जो ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई है जीन्स पहनी हुई है और बहुत फंकी कूल डूड टाइप की उनके लुक है स्टाइल है उनके कपड़े हैं एंड देन ऑन द अदर हैंड MNCs आपको दिखेंगे MNCs में वो इंसान सूटेड बूटेड है नॉट नेसेसरली कि ये दोनों चीजों में से कोई एक चीज खराब है पर जैसे जैसे एक बार फिर से असर्ट करूंगा अपने इस पॉइंट पर कि जैसे एम्प्लॉयज बढ़ते जाते हैं कहीं ना कहीं एक वर्टिकल लेवल फॉलो करना होता है और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि उस कंपनी में जो सब लीडर्स हैं वो सब लीडर्स बन रहे हैं एग्जांपल इसका दूंगा साथ ही में एग्जांपल है आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट टीम है इंडियन क्रिकेट टीम उसमें सबसे पहले टेस्ट और वनडे के जो कैप्टन होते थे वो सेम होते थे
फिर उसके बाद नई अप्रोच फॉलो की टीम ने. नई अप्रोच थी कि टेस्ट के कैप्टन अलग हो गए और वनडे के कैप्टन अलग हो गए, 2020 के कैप्टन अलग हो गए. एंड देन वो टीम मेंबर्स भी धीरे धीरे अलग होने लगे. जैसे जैसे टैलेंट पूल बढ़ता गया, जैसे जैसे जो वो प्लेयर्स थे अच्छा परफॉर्म करने लगे, वो टैलेंट पूल इंक्रीज हुआ, तो उन्होंने टीम्स भी अपनी बायफोकेट कर दी कि टेस्ट में ये प्लेयर्स करेंगे, 2020 और वनडे में ये प्लेयर्स होंगे. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. और उस टीम में भी, उस फॉर्मेट में भी एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है. कैप्टन जब रेस्ट पे है तो वाइस कैप्टन पूरी टीम को सेम कैपेसिटी में संभाल रहा है. सो टू इंक्लूड दिस वन एग्जाम्पल एंड द जीस्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, ये जो अभी मैंने उदाहरण दिया इसका सार समझाना कि एक बड़ी कंपनी में कई सारे नए लीडर्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी एक टीम को होना भी जरूरी है. और जैसे ही लोगों का जो काउंट है, एम्प्लॉय काउंट है, वो बढ़ जाता है, वहां पर वर्टिकल लेवल लेना थोड़ा ज्यादा जरूरी रह जाता है. have been doing the model of SBU where they are giving the sub leaders their responsibilities. Absolutely, sir. Right. And I'm coming to the same question from different angle. For the proper communication and KRA, which one is more result oriented, vertical or horizontal? Sir, result oriented to largely depend करता है कि वो business किस तरीके का है. आपकी कंपनी की वर्किंग को समझ पाया हूँ और जितना भी जो हमारे टॉप लीडर्स हैं उनकी बातचीत को समझ पाया हूँ, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी है कि rather than focusing on one particular type of a hierarchy, be it horizontal or vertical, हम इस पे ज्यादा फोकस करें. उससे ज्यादा हमारे लिए या फिर किसी भी बिजनेस की जो सबसे अहम चीज है वो है कि स्टेइंग इन द सेम सिस्टम, हम उसकी इफेक्टिवनेस को कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं. सो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि जो सर आपने मुझसे बात कही उसके ऊपर एक मैं एक इफेक्टिव आंसर बिना इन डेप्थ नॉलेज के आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैं नहीं दे पाऊंगा. और इनफैक्ट मेरे या फिर किसी भी प्रोफेशनल का वो आंसर देना गलत होगा, क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी एक फॉर्मेट को फॉलो कर रही है. राइट, प्लीज गो. नहीं जी, नहीं. श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं. अच्छा, श्याम जी मुझे लग रहा है घर पे बात कर रहे हैं. ऑलराइट दोस्तों, गौरव यू कैन कंटिन्यू. या सो नितेश, देयर वाज वन गेम इन पर्टिकुलर व्हिच आई वांटेड टू कंडक्ट हियर. और उससे पहले गौरव, आई एम सॉरी फॉर इंटरजेक्ट, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बार हम उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर दें जो सर ने लास्ट क्वेश्चन पूछा था. हम प्लीज एक बार इसे रिपीट कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो डिटेल में लोगों को समझ आ जाए तो बेटर रहेगा. कि सर ने बोला था कि सर ने कहा कि वर्टिकल जो फॉर्मेट है हायरार्की का वो फॉलो करें, कि हॉरिजॉन्टल जो फॉर्मेट है वो फॉलो करें. तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया गूगल का और स्टार्टअप्स का और बड़ी कंपनीज का. और साथ ही सर ने पूछा कि जो हमारी फैक्टोटम कंपनी है उसको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए. तो उसमें मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लाई ये रहा कि विदाउट गोइंग इन डेप्थ into the working of the organization, मैं कोई भी comment नहीं कर पाऊंगा. But yes, as I say, कि rather than changing the system, we should be focusing much on improving the efficiency, कि हम किस तरीके से जो efficiency है company की current system में रहते हुए उसको बढ़ा पाएं. So Nitish, ये एक हमारा एक छोटा सा जो discussion अभी हुआ उसका सार कहीं ना कहीं. Yes, I request anybody else with any questions. Aditya sir. कोई सवाल है जो आपको थोड़ा परेशान कर रहा है, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं. नितेश साहब, आई वुड आस्क माई अकाउंट हेड मिस्टर आकाश इफ ही इज फेसिंग लॉट ऑफ द सच काइंड ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कशन. आकाश जी. Sir, there is no query. Fine, fine. Yes, sir. Okay, over to you.
थैंक यू। तो मैं यही मानता हूँ कि देखिए एक परिवार है जिसके अंदर आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, जितने क्या नाम है मैनेजर लेवल के लोग हैं, लीडरशिप टीम है, मैनेजमेंट टीम है। सो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी परिवार में क्या नाम है परेशानियां ना आए, डिफिकल्टीज ना आए, प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम को सुनना प्रॉब्लम का हल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रॉब्लम का हल है। सो प्लीज आप लोग ध्यान रखें कि अगर किसी भी आप गोल को पाना चाहते हैं तो उसको आप पाने के लिए, उसको आप पाने के लिए ध्यान रखें कि क्या नाम है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जितनी भी उसके बीच में उन गोल को पाने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप इमीडिएटली सॉल्व करें। दिस इज वन ऑफ द की सक्सेस, आप कह सकते हैं कि ये सक्सेस के कीज हैं। आप ट्रस्टवर्दी बने, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 101% दें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक राइट माइंडसेट लेके जाएं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे आइडियाज लेके जाएं, ऐसी चीजें लेके जाएं जो आप लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन प्रेज करे और आपकी सलाह को सुने और उसे फॉलो करे। और अपनी लीडर की बात जरूर सुने, लीडर से क्या नाम है यही आशा रहती है कि वो लोगों की जरूर सुने। सो ये एक परिवार है जिसमें हर ब्रांच पे हर इंसान है और हर इंसान आपस में एक दूसरे को समझ के चले। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू कंक्लूड। गौरव वॉन्ट टू से समथिंग? राइट। सो जितने भी हमारे यहाँ पर मेंबर्स इस सेशन के दौरान मौजूद हैं, आप सभी को सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अभी तक इतनी पेशेंटली बैठ के पूरे सेशन में पार्टिसिपेट किया है। पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा सेशन यहाँ पर कराना चाहता हूँ, विच इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द लीडर्स। सो द नेम ऑफ दिस गेम इज हु एम आई, मैं कौन हूँ। और इस गेम में होने क्या वाला है कि मैं सबसे पहले आपको एक जो लीडर हैं, जो अपने अपने फील्ड में लीडर हैं, उनकी एक बचपन की फोटो दिखाऊंगा और आपको जज करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है, लिखना है, जो आपके पास पेपर है उसके ऊपर अपना आंसर लिखना है, सेम फॉर्मेट जैसे कि मैंने इससे पहले गेम में किया था। और फिर क्यूमुलेटिव स्कोर हम निकालेंगे एंड देन वी विल सी कि कौन आज के इस सेशन के गेम्स का विनर है। आर वी ऑल रेडी फॉर दिस? इफ वी आर रेडी देन प्लीज गिव मी अ हैंड्स अप, राइट हैंड अप प्लीज ऑल ऑफ यू। सुपर। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछने वाला हूँ कि कितने लोग जो इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। देखिए तकरीबन सारे लोग तैयार हैं एंड फॉर दिस आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड यू आर गोइंग टू सी दिस इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन एंड हियर इट कम्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर। And here we have. So can you all see what is in front of you? Yes, there is a picture. There is a picture of a boy with curly hair. I'm going to move on to this picture now. Can you all see what is on the screen? Please give me a hands up, right hand up, please, all of you. Yes. So this is an example and you have to guess who this person is. Now, if somebody can tell me ये फोटो किन की है, हु दिस पर्सन इज, प्लीज शो योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। श्रुति इज देयर एंड शी हैज द आंसर। श्रुति, व्हाट इज द आंसर? आई थिंक सो सचिन तेंदुलकर। सो लेट अस सी, देख लेते हैं कि सही जवाब क्या है। एब्सोल्युटली राइट, सचिन तेंदुलकर इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू डोंट हैव टू से द आंसर, यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको लिखना है आपका जो आंसर है, फिर मैं गेस करूंगा और बाकी जो हमारे ऑडियंस मेंबर्स हैं इनफैक्ट वो गेस करेंगे कि जो सेलिब्रिटी है, ये लीडर जो है, आइकॉनिक पर्सनैलिटी है, वो कौन है। वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एंड द रियल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्टिविटी, हु एम आई, एंड हियर इट इज। आई बी गिविंग यू 10 seconds टू राइट डाउन योर रेस्पॉन्स and then I'll reveal the answer. सही पर आप अपने आप को 1 point देंगे, गलत पे आप अपने आप को 0 देंगे। All right, here we go. Who is this person? Very famous and deals, I would say, is such a kind of a person who has been giving positivity, spreading all the good vibes throughout the world, not about one country even, about the entire world.
Who could this person be? I'm giving you 10 seconds to guess. And there is a title which is used HH right before his name. So we use His Holiness right before his name. I'm giving you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I believe all of you have written down your responses. And I'm going to reveal the name of His Holiness Dalai Lama is the correct answer. So, if you have Dalai Lama ji ke alawa koi aur response likha hai, to uske liye aap zero denge. If you have written His Holiness Dalai Lama or Dalai Lama, then in that case, that is the correct answer and you'll be giving yourself 1 point. Moving on ahead. Are we all ready for the next part of this? Show of hands. Seedha haath hawa mein utha dijiye, please. All of you, those who are interested in playing. Shyam sir. Shyam Kumar sir. Yes. Okay, now is the time that I ask about the next question. Who is this famous personality plays one particular sports? I would not name the sport that he plays, but he is on arguably the top position in this sport. I'm giving you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm going to reveal the correct answer. And the correct answer is right here. It is Lionel Messi. Leo Messi is the correct answer. And I believe, judging by Nitish's expression, he has guessed it wrong. So, agar aapne Lionel Messi या Leo Messi लिखा है या सिर्फ Messi लिखा है तो आपका जवाब सही है. आप अपने आप को एक पॉइंट दे सकते हैं. Otherwise, please give yourself a zero. If we are ready for the next question, please give me a thumbs up. Please give me a thumbs up. Please give me a thumbs up if you're ready. All right. Now we're moving on to the next question. Here it goes. Who is this famous personality? Just to give you a little hint. He used to be a chef. ये एक chef हुआ करते थे, उसके बाद कुछ और बन गए. Please write down your answer. I'm giving you 10 seconds. Quickly going to count down 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And I would like to ask Rohit. Rohit, what is the correct answer? सर हमारे अकाउंट्स मैनेजर उनका फेवरेट है अक्षय कुमार. सर आपके अकाउंट्स मैनेजर का फेवरेट है और मेरे भी फेवरेट हैं. अक्षय कुमार इज द करेक्ट आंसर. एब्सोल्युटली ट्रू. सो इफ यू हैव रिटन अक्षय कुमार और अक्की और इनफैक्ट राजीव भाटिया, देन योर आंसर इज करेक्ट. अदरवाइज गिव योरसेल्फ अ जीरो. इफ अक्षय कुमार, राजीव भाटिया और अक्की यू हैव रिटन, देन योर आंसर इज राइट एंड यू कैन गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट. Moving on to the next one here. He is a music maestro. Music maestro. And a very famous personality in his field. In fact, I would say one of the best. The best at what he does. What is the correct answer? Please write it down. And as you can see in the picture, there is a piano over there. I'm going to give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And I'd like to ask here. मैं पूछना चाहूंगा अभी. मुझे विकी जी का नाम दिख रहा है तो विकी जी से ही पूछ लेते हैं. विकी जी, what is your answer? Sir, I'm confused. A.R. Rahman, I think. देख लेते हैं सर आपकी कंफ्यूजन सही जगह पर टिकी है कि नहीं टिकी है. एंड इफ यू फॉलोड योर गट फीलिंग इन दैट केस, A.R. Rahman is the correct answer. Yeah. बिल्कुल सही है. So if you have written A.R. Rahman, then you can give yourself 1 point. जैसा मैंने कहा, self assessment है, cheating कोई नहीं करेगा. Give yourself 1 point if you have written A.R. Rahman. Otherwise, give yourself a zero. Moving on, next question पर आते हैं. Here is the next question. Is a very prominent politician now. And I would omit the word now from my statement. Used to be a part of NCC at time. I'm going to give you 10 seconds.
आई गेस एक हमारे पास जवाब रेडी भी है. आई एम गोइंग टू गिव यू 10 क्विक सेकंड्स. 10, 9, 8, 7. वन मोर हिंट. शी हेल्प लॉट मेनी इंडियंस एंड इनफैक्ट फॉरेनर्स, दोज हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Who would like to answer? Okay, let's take this from you, sir. I've unmuted you, so please tell me. The one in blue t-shirt, sir. Yes. Blue t-shirt and the earphones on. Sushma Swaraj. Is it? Sir, Ravi. Achha, Ravi sir ne bhi blue t-shirt pehna hua hai. Okay, there is one more device by the name Oppo A7. Late Sushma Swaraj. Late Sushma Swaraj is right answer. Absolutely correct. Right time. And you all of you know that she actually. Gaurav. Yes, sir. Yes, Nitish. So I would like to add one point. तुमने जैसे hint दिया ना, तब मेरे को realize हुआ ये सुषमा स्वराज है. Otherwise, I was like him. ये मैंने यहाँ पे किरण बेदी लिख दिया था. हो सकता है, because Kiran Bedi can be a first response in some people's mind because she used to be the NCC. Officer. Yes. So, IPS officer rahi hain. So, kahin na kahin wo jo cap tha, NCC ka wo cap hai, main aapko bata dun. So, NCC ka wo cap kahin na kahin wo aapko impression de raha ho sakta tha. But any which way. So, ladies and gentlemen, those who have participated in this session, that was the game of Who Am I? I'm going to stop sharing my screen now. Thank you very much for participating. So, thank you, Gaurav. And Mahesh ji, Shyam ji, Ravi ji, Aditya sir, jitne bhi log hain, it's been a pleasure ki main aapki company, unke leaders aur unke sabhi employees aur family members ko kuch achhi tips de paya hoon. Ye meri puri dil se koshish thi. And I believe ki hum aage chal ke kuch achha karenge. Because ek bahut hi achhi saying hai ki ek स्टैट्स मैंने यहाँ पर लास्ट आपको पॉइंट बताऊंगा कि ये स्टैट मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ था कि एक एंगेज एम्प्लॉय और एक अनएंगेज एम्प्लॉय में कितना फर्क होता है, या फिर किसी भी एक एंगेज ऑर्गेनाइजेशन में और अनएंगेज ऑर्गेनाइजेशन में कितना फर्क होता है. एक एंगेज ऑर्गेनाइजेशन में 87% लोग जो होते हैं वो प्रोडक्टिव साबित होते हैं, और वहीं पे एक अनएंगेज यानी कि डिसएंगेज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि एसोसिएशन होती है, उसके अंदर 67% जो लोग होते हैं वो लोग जो होते हैं सिर्फ प्रोडक्टिव होते हैं. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो मतलब अनप्रोडक्टिव साबित होते हैं, मतलब वो उनका कोई प्रोडक्टिवनेस निकल के नहीं आती है. तो आई बिलीव कि हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से एंगेज किया होगा, बट टू गिव योर ब्लड एंड स्वेट to your company, this is your first responsibility. अपना खून पसीने की मेहनत को आपकी कंपनी को देना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है. After all, business is first, family is second. ये बहुत ही किसी अच्छे एक entrepreneur ने बात कही है. आप जाके जरूर ढूंढना, अगर मैंने आपको कुछ अच्छा बताया है तो उसको जरूर देखना. आपके पास सभी के पास आजकल नेट है, यूटिलाइज योर नेट फॉर द वेलफेयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम निकाल के ला सकते हैं. एंड अगेन thank you all of you, thank you Mahesh ji, thank you Shyam ji, thank you Ravi ji especially, thank you Aditya sir. Aur agar main kisi ka naam bhul raha hu, I am so sorry, but it's really a pleasure ki aap logo ke sath maine aur Gaurav ne kaam kiya. Shyam ji kuch keh rahe hain, Shyam ji kuch keh rahe hain. Shyam ji aapka mic. Ji Shyam ji boliye, ji Shyam ji boliye. Ho gaya ji, Shyam ji boliye ji. Aur Gaurav ji, yes sir, मैं फैक्टोटॉप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपने हमारा आपके साथ सेकंड एक्सपीरियंस है ये. जी सर. जब हमने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया था, नितेश जी मुझे ध्यान है कि आपने हमारी कंपनी का बहुत अच्छे से उद्घाटन कराया था, लुंगी डांस भी कराया था, लोगों को खुश किया था. जी सर जी, एक फेमस डांस कराया था, लुंगी डांस. यस सर, यस लुंगी डांस. यस, तो आज की मीटिंग भी हमारी बहुत अच्छी रही. आपने जितने भी हमारी कंपनी को टिप्स दिए हैं, मैं कोशिश करता हूं फैक्टोडम की टीम को कि वो आपकी बातों पर ध्यान देंगे. और स्पेशली हम जैन साहब को थैंक यू बोलना चाहता हूं मैं, कि जो जैन साहब इस तरह की मीटिंग कराते रहते हैं कंपनी के लिए. थैंक यू जैन साहब, थैंक यू नितेश, थैंक यू गौरव, थैंक यू सर. राइट बिफोर वी गो,
एंड नितेश राइट बिफोर वी गो एक छोटी सी चीज रहती है सर सॉरी टू इंटरजेक्ट हियर और वो जो चीज है कि अभी जो हमने गेम्स कराया उसका एक विनर भी हम देख लेते हैं तो मैंने सेल्फ असेसमेंट की बात की थी आई रिक्वेस्ट आपने अपने आप को जो पॉइंट्स दिए हैं मार्किंग दी है एक बार प्लीज काउंट कर लीजिए ऑल ऑफ यू प्लीज ओवरऑल सारे पॉइंट्स ना ओवरऑल हां मतलब दोनों गेम्स के जो पॉइंट्स हैं आपको वो काउंट करने हैं पहला बिताना है महेश कुमार 13 महेश सर है स्कोर 13.13 जी एनीवन एल्स रोहित ओके आई एम गोइंग टू अनम्यूट ईच वन ऑफ यू आई एम गोइंग टू अनम्यूट ईच वन ऑफ यू सो दैट यू कैन ऑल आंसर पर ध्यान रखिए अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज है तो वहां पर अपने आप को खुद से म्यूट कर लीजिएगा ओके एवरीवन हैज बीन अनम्यूटेड श्याम सर व्हाट इज योर स्कोर श्याम सर 6 ओके विकी जी आपका स्कोर क्या है 10 अनीता जी व्हाट इज योर स्कोर 7 शशि जी व्हाट इज योर स्कोर 10 लेकिन सब लोग सच बोलेंगे झूठ कोई नहीं बोलेगा 10 बोलेंगे सब सच की जो बुनियाद है सर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा मजबूत बनाती है रवि सर आपका स्कोर क्या है सर कम अगेन प्लीज आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई 14 आदित्य सर व्हाट इज योर स्कोर आदित्य सर व्हाट इज योर स्कोर बस मेरा 9 है 9 ओके श्रुति जी आपका स्कोर क्या है 12 अक्षय जी अक्षय मेवाती 8 शिवम सोनी स्कोर 9 सर 9 शमा जी आपका स्कोर क्या है शमा जी कितने पॉइंट बनाए प्लीज 5 कोई दिक्कत नहीं है 5 बहुत अच्छा नंबर है जैसा कि नितेश ने बताया 5 पॉइंट्स बताए थे मैजिक वाले चीटिंग हो रही है सो 5 बड़ा अच्छा नंबर है रवि पाल जी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो बताइए सर कि आपका स्कोर क्या रहा 9 सॉरी 9 सर 9 अकाउंट सेक्शन से सर हमारे साथ है सर व्हाट वाज योर स्कोर 8 किसी भी जन का स्कोर 14 से ज्यादा जन का स्कोर है एनीबॉडी हु स्कोर्ड मोर देन 14 एक ही शख्स है जिनका 14 से ज्यादा जो उन्होंने सर ने बोला था 14 जिनका था रवि सर आई बिलीव ही सेड 14 राइट सो रवि सर यस सर यू आर द विनर ऑफ द गेमिंग सेशन which was a sub session of a big session of leadership and soft skills training thank you sir thank you and I congratulate you dedicated I congratulate you sir the team sir bahut bahut mubarak ho ravi verma sahab ko game jeetne ke liye sir main ye jeet apni director sahab md sahab apni team ko wapas karta hu sir kya sabhi logon ne apne number imandari se bataye maine ek ko wo santosh एक सच बोलना बहुत जरूरी है मैं श्याम जी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ श्याम जी एक बार प्लीज अपना पॉइंट दोबारा बोलिए जब इन्होंने दलाई लामा दिखाया था ना जी सर तो मैंने वहाँ चाइना कोरोना लिखा था चाइना मैन नहीं लेकिन सर समा कितने नंबर दिए तूने अपने आप को समा जी के स्कोर उनका रहा 5 सच बोलना कंपनी के हित में होता है थैंक यू ऑलराइट ओके एवरीवन आई बिलीव यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम टेकिंग पार्ट इन दिस सेशन पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत ही एंजॉयमेंट फील हुई होगी और साथ ही साथ आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस सेशन से सीखा भी होगा और इस लर्निंग को आप अपने साथ में बना कर रखें अपने पास ऐसे 5 लोगों के
बीच में रहने की कोशिश करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं. सो ऑन दिस गुड नोट आई रिक्वेस्ट नितेश शर्मा टू प्लीज टेक ओवर एंड कंक्लूड द सेशन बाय थैंकिंग ईच एंड एवरीवन. जितने भी यहां पर शख्स हमारे साथ है, जितने भी हमारे साथ लीडर, जितने भी हमारा पूरा फैमिली ट्री यानी कि फैक्टोटम का फैमिली ट्री यहां पर हमारे साथ है, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी हमारे लिए विनर हैं, आप सभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं. एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी शक्ति को कभी भी नेगलेक्ट मत करिएगा, कभी भी जीरो मत समझिएगा, क्योंकि आप हैं तो फैक्टोटम है और फैक्टोटम है तो आप हैं. इसीलिए ध्यान रखिए, स्टे होम स्टे सेफ, अपने आप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने आप की क्या नाम है इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अपनी कंपनी की तरक्की को बढ़ाएं. थैंक यू सो मच एंड ऑल ऑफ यू. हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग और सभी तरीके की टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कराते हैं. तो आदित्य जी ने आपके लिए हमारे साथ एक छोटा सा सेशन रखा था, आप यूट्यूब पे जाके और भी चीजें देख सकते हैं. थैंक यू रवि जी, थैंक यू महेश जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं. नितेश साहब जी सर, आवर मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सर इज ऑलवेज डेडिकेटेड टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, नॉलेज इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटली एडवांसमेंट, इनकरेजिंग एवरी एम्प्लॉई. देयरफॉर ही हैज आस्क्ड आदित्य सर टू ऑर्गेनाइज सच नाइस interaction session, and we would definitely come up with some more kind of the sessions. We will in advance approach you what is the issues we want to resolve, and we need more training towards that, right sir? Thank you sir, we'll definitely look forward to having another session and specifically on any one particular topic. क्योंकि जब हम किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा डिस्कशन होता है. और किस इसी तरीके के गेम्स भी रखेंगे, मुझे पता है कि आप जो भी लंबा सेशन होता है कहीं ना कहीं उसमें लोगों को एंगेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई बिलीव सभी लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और सब लोग अंत तक हमारे साथ में यहाँ पर रुके रहे. सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू, एंड इफ नितेश शर्मा कैन शो मी अ थम्स अप देन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस सेशन. एंड एवरीवन, दिस इज मी Gaurav Sharma from Teamwork India signing out, and I wish you all a very good night. Please stay safe, stay home, and go out only for essential purchase. Thank you and have a good time. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.